गुड आफ्टरनून एवरीबडी। कॉपी निकाल लो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या दिया, कोई कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या होमवर्क में? जरा बात करो तो, एक कोई प्रॉब्लम हुआ है? लेट अस फर्स्ट डिस्कस द होमवर्क एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। उसका आंसर पीछे है? अच्छा बच्चों, आपके जितने भी होमवर्क्स हैं ना, बैक साइड में उसके आंसर्स हैं, जैसे स्कूल बुक्स में। हाँ, सल्यूशन पूरा। तो सुनिए तो सही। तो ना मेरे को सीधे बात बंद करो, इतना भी एक्साइटेड होने का नहीं है। मैं ये बोल रहा था बच्चों कि डायरेक्टली मेरे को इन्वॉल्व करने से पहले एक बार आप पीछे का सल्यूशन भी देख लेना। अगर कोई प्रिंटिंग या टाइपिंग एरर हो ना तो मेरे को बता देना, सो दैट मैं नेक्स्ट वाले बैच में बुक को ठीक कर दूं। ओके? कहने का मतलब एकदम छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट मत करना। ओके सर, यहां पर ना 2000 की जगह 200 लिख दिया सर, देखिए कितना गलती है। फालतू बात नहीं, समझे? वो टाइपिंग एरर हो सकता है ना मेरे बच्चों, तो उसको आपको ठीक करवा देना है कि सर ये अगले बार की बुक के लिए ये एक एरर था, इसको आप ठीक कर दीजिए। वो एरर ना, गर्ल्स बॉयज बात बंद करो, वो एरर क्वेश्चन में हो, सॉल्यूशन में हो, राइटअप में हो, आप हर एरर को मेरे को नोटिस करवा दोगे, सो दैट हम अगली बार की बुक को ठीक कर देंगे। यू गॉट इट? चलो एक तो एसी बंद करो पहले, 6 नंबर मैं चलवा दूंगा थोड़ी देर के बाद एसी। हाँ, थोड़ा सा मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा, ठंडा लग रहा है, गर्मी लगेगा, मैं चलवा दूंगा। ओके, हाँ कॉपी में लिखो बच्चों। अच्छा बच्चों, एक बात तो बताओ, जो आपने होमवर्क बनाया, कैश और बैंक को डबल कॉलम बनाया कि सिंगल कॉलम बनाया? डबल कॉलम नहीं बन रहा है? धीरे। हाँ वही मैं भी देख रहा हूं कि एकदम सेम सम नहीं है जो मैं सोच के आपको होमवर्क दिया था। मुझे विजिबली वो एकदम सेम लगा, पर गलती से थोड़ा 2 दिन के बाद जो होमवर्क देना चाहिए था वो 1 दिन पहले 2 दिन पहले दे दिया मैं। ठीक है, सो इस एरर को एक बार माफ करोगे, 2 दिन के बाद आप इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लायक बन जाओगे। बट स्टिल इतना भी हार्ड सम नहीं था कि आप नहीं बना पाए होंगे। मुझे एक चीज बताओ, सिंगल कॉलम कैश बुक किसने बनाया? ओके, और कंफर्टेबली आंसर मैच कर गया। ओके, जो लोग डबल कॉलम कैश बुक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे मिसिंग फिगर इधर उधर के निकले होंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ज्यादातर जो मैं बोलूं, ज्यादातर जो डिटेल है, देखिए तो कैश और बैंक का क्या डिटेल है कि जिस किसी बच्चे ने डबल कॉलम बनाया एक बार मुझे लेकर ला करके दो। डबल कॉलम बनाया और सक्सेसफुल हुआ, क्या चीज में बैलेंसिंग लेना पड़ा? मैंने ना अभी ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं था। हाँ हाँ ठीक है, वो छोड़ दीजिए ना, मैं जो पूछ रहा हूँ खाली उतना बोलिए, किसमें आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़े? कोई खास नहीं? ओके ठीक है, आप बैठ जाइए। जिसने सिंगल कॉलम बनाया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बात भी नहीं करेगा मेरे से, क्या समझे?
आप फुली करेक्ट, आपको पूरा मार्क्स मिल गया है। अब बात करूं आगे, जिन्होंने जिन्होंने डबल कॉलम बनाने की कोशिश करी, आइए देखते हैं क्या क्या डेटा अवेलेबल था। जिनका डबल कॉलम है सिर्फ वही लोग बात करेंगे अभी। हाँ, आइए देखते हैं क्या क्या डेटा अवेलेबल था एंड क्या क्या डेटा हमें वर्कआउट करना पड़ा। ओके, लेट्स सी दैट। रेडी? मैं बोलूं कैश सेल्स दिया हुआ है क्या? ओ फिर बात ही तो कर रहा हूं। अच्छा, एक बार ना कैश सेल नहीं दिया हुआ तो ओके। जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है उसका चेक और कैश का ब्रेकअप है? ओके, लग रहा देखने से सारा चेक से ही कलेक्शन है, ज्यादा नहीं सारा मेरे को लग रहा। देख तो डेटर्स का कलेक्शन मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स ही तो है, ये 62,500 डेटर्स का ही तो है रे बाबा। इस क्वेश्चन में ना, सब रेडी हैं सुनने को? ध्यान से ना इसका सोल्यूशन देखते रहेगा बच्ची का। इस क्वेश्चन में ना कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ था कि डेटर लोगों ने कैश में पेमेंट किया है और हमने उसको बैंक में जमा किया है, नहीं लिखा हुआ था। आप उस लाइन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, मैं भी पढ़ रहा हूं। सब लोग आइए उस क्वेश्चन के अंदर, बच्चों रहिए। उन्होंने लिखा रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू बैंक। मैं ये नहीं बोलता कि कैश मान लेने से रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन क्यों कहां ऐसा फील आ रहा है कि चेक कलेक्शन नहीं हुआ होगा? चेक कलेक्शन भी तो बैंक में जमा होता है, तो पेड इनटू द बैंक भी कर सकते। दोनों में मार्क्स नहीं कटेगा, हेलो, दोनों व्यू बन रहा है वहां पे। सीधा बोलते थे ना चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स तो एक ही व्यू बनता, आप समझे? पर यहां पे किस तरह का लाइन लिखा देखिए, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स पेड इनटू द बैंक। तो बैंक चेक कलेक्ट करके भी बैंक में दे सकते हैं, कैश कलेक्ट करके भी उसका पैसा बैंक में दे सकते हैं। हिंट क्लियर नहीं है तो अल्टरनेट, जैसे पिछला वाला सब में जो मैंने कराया था कल, उसमें तो एक ही ऑप्शन था, दूसरा आप ले ही नहीं सकते थे। यहां पे दोनों ऑप्शन है। मैं अगर आपकी जगह होता, मैं बैंक टू डेटर लिखता, मैं कैश टू डेटर और बैंक टू कैश नहीं लिखता, क्योंकि मुझे ऐसा फीलिंग आ नहीं रहा है। यू गॉट द पॉइंट? क्लियर? आगे एक मिनट बात करते हैं, पहले मैं सारा बात कर लूं। चलो डबल कॉलम जिन्होंने बनाया वो लोग बात करेंगे। ये 6880 आप लोगों ने कैसे निकाला? अच्छा, टोटल कैश और बैंक का मिलाया हुआ फिगर दिया हुआ है और क्लोजिंग कैश दिया हुआ है और आपने बैंक को बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। एम आई करेक्ट? गुड, बातचीत कीजिएगा जिन्होंने भी होमवर्क बनाया। ओके, क्रेडिटर का पेमेंट चेक से हुआ है लिखा है क्या? ओके, ये 9240 का क्या चीज का? अच्छा, ये कैश विदड्रॉन लिखा है क्या क्वेश्चन में? ओके, ये ड्रॉइंग चेक से हुआ लिखा है क्या? ग्रेट, ये मशीन का परचेज चेक से हुआ लिखा है? ओके ग्रेट, ये 5000 रुपीज क्या चीज का है? अच्छा, ये कैश डिपॉजिट है। ओके फैंटास्टिक, इससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैंक टू डेटर कर रहा होता, बट ये एक ही बात है, उसमें कोई मार्क्स कम बेसी नहीं। ये 8500 दिया है क्या? ओके ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बैंक कॉलम को पहले बनाएंगे, जो कि बनाना ही पड़ेगा अगर आप डबल कॉलम हाथ लगा दिए तो, नहीं समझे, तो आपको यहां पे कैश एट बैंक का ओपनिंग फिगर बैलेंसिंग फिगर आएगा, इफ आई एम करेक्ट। जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है सम को, डबल कॉलम वाले बच्चों को बोल रहा हूं, कैश एट बैंक उनका ओपनिंग वाला बैलेंसिंग फिगर आएगा। ओके, ये जब आ जाएगा ना तो कैश इन हैंड भी निकल जाएगा। बोलो कैसे? ओपनिंग का कैश एंड बैंक मिला के दिया हुआ है तो माइनस कर दोगे तो कैश इन हैंड भी आ जाएगा। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा हूं फिर से करेंगे मेरे साथ आप लोग।
ये 1200 था ना अपने पास, ये 5000 क्या था ये बताओ तो फिर से। और ये कॉन्ट्रा वाला ही था ना, ये तो वो 62500 दोनों साइड में लिखी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 9570 नहीं, एक्सपेंसेस पेड बाई चेक लिखा है क्या साहब? एक्सपेंसेस पेड बाई कैश, कैश सॉरी लिखा है साहब। ये 1030 लिखा है कैश परचेस, आप सपोर्ट करिए प्लीज। हाँ तो ऐसे मत चुपचाप कर रहे हो, बात करो बेटा। ये 9240 कॉन्ट्रा है क्या? ये दिया हुआ अच्छे से, अपन ओपनिंग निकाल लिए थे। तो कैश सेल कम्स एज, हाँ बैलेंसिंग फिगर, कैश सेल कम्स एज बैलेंसिंग फिगर। तो उन बच्चों ने फिर क्या किया मैं जानना चाहूंगा, जो सेल दिया था बोथ कैश एंड क्रेडिट, एक मिनट रुक जाओ, पहले डबल कॉलम वालों का बात कर लो फिर सिंगल कॉलम वालों को पकड़ूंगा। क्या किए तुम लोग बेटा, हम जरा देखेंगे तो सही, हाउ डिड यू मैनेज दैट, बिकॉज दैट स्किल तो चाहिए होगा। अच्छा अब मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इस बच्चे का जो भी कैलकुलेशन है वो सब करेक्ट है, इसमें कोई नथिंग इज रॉन्ग, ओके। और ये 4600 का कैश सेल इज अ परफेक्ट आंसर, ओके। अब मैं उनको देखूंगा जिन्होंने कैश बुक नहीं बनाया, कैश सेल नहीं, हाँ समझ गया ना, डबल कॉलम नहीं बनाया, बनाया तो हो गए, इतना सा नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे मत करिए मेरे साथ, दो दिन हो गया तो थोड़ा बहुत तो पहचानने लग ही गए हो। तो मैं क्या बोल रहा था बच्चों, जिन्होंने डबल कॉलम नहीं बनाया, मैंने सिंगल कॉलम बनाया, मैं देखूंगा वो लोग कैसे मैनेज किया उस चीज को, कि हाउ डिड दे फाइंड आउट कैश सेल एंड हाउ डिड दे मैनेज दैट, उसकी बात अभी मैं करूंगा। नाउ लेट मी चेक द डेटर्स। हाँ बहुत स्मार्ट सम हो गया ये तो, गलती से दे दिया मैं पहला दिन, ठीक है ठीक है ठीक है, इसको एक दिन बाद और बनाने बोलेंगे फिर से। एक बार जरा डेटर को देखो, अच्छा तुम्हारा तो बेटा अब सब कुछ ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप कॉपी ले लो, अब मैं आपसे बात करने के मूड में नहीं हूं। नहीं बिकॉज इट्स करेक्ट ना, तो अब क्या बात करूं। तो एनीवे पहला इंफॉर्मेशन इस होमवर्क में ये निकला कि कैश सेल इज, बात करो प्लीज, 4600, और ये कैश बुक का बैलेंसिंग फिगर है। और सम इतना स्मार्ट था कि क्लोजिंग कैश एंड बैंक का दो फिगर दिया हुआ था, एक साथ मिला के टोटल दे दिया था, कैश इन हैंड अलग से दे दिया था, हमने क्लोजिंग बैंक निकाल लिया, वहां से बैंक को पूरा कंप्लीट किए, सारा इंफॉर्मेशन था, कुछ मिसिंग नहीं था, ओपनिंग बैंक बैलेंस निकल आया, बोलो हाँ। ओपनिंग बैंक जैसे ही निकला वहां से ओपनिंग कैश निकल के आ गया। कमीनापन देखिए इंस्टीट्यूट का कहां तक जा सकता है, मैंने बोला था ना यही लड़ाई सीखना है, यही सीखेंगे। मुझे लगता है 3 दिन के बाद का कहानी है, गलती से एक दिन पहले होमवर्क दे दिया 2 दिन पहले, तो इट्स माई मिस्टेक, ओके, इंस्टीट्यूट का नहीं। ओपनिंग कैश बैलेंस वहां से निकला, ठीक है, फिर ओपनिंग कैश बैलेंस जब निकला तो वहां से जाके कैश सेल्स निकला, सो दैट वे फैंटास्टिक सम, अच्छा सम, बस 3 दिन के बाद होना चाहिए था, ओके। अब ये स्टोरी क्लोज। अब मैं उन बच्चों का बात करूंगा जिन्होंने सिंगल कॉलम बनाया और मैनेज कैसे किया कैश सेल को। तुम्हारे ऊपर तो थोड़ा डाउट ही है बेटा, एक बार तुम थोड़ा बैठ 2 मिनट, श्योर है? बच्ची के थोड़े से फंडामेंटल्स वीक हैं, बच्ची खुद बोल रही थी आकर के मेरे को, काफी दिन हो गया इसको अकाउंट्स देखे हुए, तो अभी वापस से देख रही है, तो मुझे थोड़ा डर जैसा लगा कि इसका कॉपी ले लूं क्या मैं, ये LLB है, लॉ करती है, और अभी इसको क्या मन हुआ CA वे करेगी, इसका भाई CA फाइनल देगा अभी, मैं इसके भाई को अच्छे से जानता हूं। तो ये कैश बुक ना बेटा तुम्हारा, सिंगल कॉलम ना, ओ कैश बुक से कैश सेल भी निकल गया क्या? ओ बास स्मार्ट है आप लोग तो, अच्छा 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 अच्छा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सुनिए मैं जरा आप लोगों का डेटर देखना चाहूंगा, सारे बच्चे लोग जो सिंगल कॉलम बनाए हैं, अब मैं उनसे बात कर रहा हूं, डबल कॉलम वालों का कॉपी मैंने देख लिया, फुल ऑल द आंसर्स आर परफेक्ट,
सिंगल कॉलम वालों का देखना चाहता हूं मैं, जरा डेटर देखो तो मेरे साथ पीपल, सबको डेटर, जब मैं बोलू डेटर देखो फट से अपना सोल्यूशन सीट निकाल के डेटर में चले जाओगे और फुल सपोर्ट करोगे मेरे को। यू गॉट द पॉइंट, कि मेरे पास क्वेश्चन मतलब याद किया हुआ नहीं है कि मैं याद रखूं क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन कब दे रहा हूं, सिचुएशन वाइज सिचुएशन में हैंडल करता हूं चीजों को। चलो बताओ, ये सीडी दिया हुआ था 420 1450 दिया हुआ था, ये डिस्काउंट और ये तो दिया हुआ था। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा, आप लोगों ने कैश बुक से कैश सेल निकाला, फिर टोटल सेल से ये वाला कैब, वाह हिम्मत तो दिखायो, गुड गुड। अब मैं अगेन लास्ट बार बोल रहा हूं, सॉरी, ये सम 3 दिन के बाद देने का था, ठीक है, आगे से मैं ध्यान, मुझे नहीं मालूम था कि ये सम सब कुछ सेम सेम दिखा, नहीं समझे, पुराने वाले सम से एकदम सिमिलर टाइप का दिखा तो मैंने दे दिया आपको, मैंने, मुझे नहीं मालूम कि इसमें इतने सारे ट्रिक्स हैं, ओके, बट ये सारे ट्रिक से कंफर्टेबल तुमको कराने का जिम्मा मेरा है, वो अभी हम निभाएंगे वो जिम्मेदारी। यू गॉट इट, आगे चलते हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने यहां से कैशबुक का बैलेंसिंग फिगर कैश सेल निकाला, फैंटा, क्योंकि हिंट तो था ना कि कैश सेल भी हुआ है, भाई हिंट तो था ही कि कैश सेल हुआ है, बोलो हाँ या ना, वहां लिखा तो था ही कैश एंड क्रेडिट सेल, तो आप लोगों ने कैशबुक से कैश सेल निकाल लिया, और जैसे आपको कैश सेल मिला तो आप लोग ये जो सेल है माइनस करके आप लोगों ने लिख लिया, तो आप लोगों को पेन कम हुआ, पेन कम हुआ का मतलब इजी हो गया ही हाँ। अच्छा, इंग्लिश टू हिंदी करने का नहीं था मेरे सामने। नाउ पहले मैं आपको बोल दूं, दोनों तरह से बनाने वाले बच्चों को फुल मार्क्स मिलना है, ठीक है, ऑनेस्टली बता दूं, मैं अगर आपकी कॉपी जांचूंगा, ठीक है, उस बच्ची को 20 में 20 दूंगा, आप लोगों को 19 दूंगा, क्यों सर फुल मार्क्स मिलना चाहिए था, ये मेरे अंदर का ईगो है जो तुम्हारा एक मार्क्स काटेगा सर, पर क्यों, व्हाट मिस्टेक डिड वी मेक, यू डिडंट मेक एनी मिस्टेक, योर मार्क्स दैट आई डिडक्टेड अदर टीचर्स विल नॉट डिडक्ट, आई डिडक्टेड बिकॉज और आई विल डिडक्ट बिकॉज इट वॉज पॉसिबल टू प्रिपेयर डबल कॉलम, यू डिडंट प्रिपेयर एंड यू ट्राइड टू मेक इट ईजी, जहां पर बनना पॉसिबल था और तुमने नहीं बनाया, इसीलिए तुम्हारा एक मार्क्स काटेंगे। मेरे को बोलो, सब क्वेश्चन का जवाब दूंगा, मेरा बाप तुम शांति रख थोड़ी देर, अभी क्या क्वेश्चन पूछना है, बात सलटा तो लेन दे, आप समझे क्यों मैं एक मार्क्स काटूंगा आप लोगों का, जस्ट फॉर दिस रीजन, क्योंकि पॉसिबल था डबल कॉलम बनाना, बोलिए हाँ या ना, उस बच्ची ने बनाया और वही 4600 आंसर निकाला जो आप लोगों ने निकाला, बोलो हाँ या ना, तो वाई नॉट डबल कॉलम इफ इट वॉज पॉसिबल, वाई डिड यू टेक इजी रूट, सर ऐसे तो लोग बोलते इजी रूट लेके जाओ जल्दी से पहुंच जाओगे घर, यहां पे आप बोलते हैं डिफिकल्ट रूट लो, नहीं, डबल कॉलम अगर पॉसिबल है तो डबल कॉलम बनाएंगे। मैंने देखिए एक वर्ड बोला था वहां पे प्रिपेयर कैश बुक में, हाँ तो पॉसिबल तो था ना, बच्ची ने तो बनाया ना, लेकिन सर मेहनत तो हुआ ना उसको, तो तुम भी करो, पहला दूसरा दिन भी मेहनत करने से कतराएंगे तो कैसे चलेगा, समझे, तो टाइम हम लोग और दूसरे तरीके से अवॉइड बचाएंगे ना, कहे चिंता करते हो, अभी तो हैं हम, लास्ट क्लास थोड़ी आज, सो गुड बोथ वे इट्स गुड, 19 लाना भी कम थोड़ी है, चला 12-13 आ जाए 20 में बहुत बच्चों को, चलिए कॉपी में लिखिए, अभी मैं क्वेश्चन आंसर तुम्हारा नहीं कर रहा हूं, थोड़ी देर के बाद में जब मैं बोलूंगा तुम क्वेश्चन पूछना मेरे को, ठीक है, चलो लिखो, पढ़ाई के लिए तैयार हुई आज का, बोलूं, लिखो, पॉइंट नंबर कितना दूंगा, 6,
पहला सम आप लोगों ने ऐसा बना लिया ना, आज कल जो होमवर्क दूंगा आपको एकदम पाती पाती बहुत इजी, हल्का होता ना पाती, पत्ता जैसा हल्का, आज और कल के होमवर्क एकदम हल्के लगेंगे, आपको लगेगा कोई औकात ही नहीं है सिंगल एंट्री का। हम सॉरी हाँ, थोड़ा डेब्यूट आपका ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में हो गया, ठीक है। अभी बांग्लादेश से भी नीचे वो सब होलैंड फोलैंड टाइप से लिखिए। डेटर्स वेलोसिटी हेडिंग दिए, देखिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर पढ़ाई चालू हो गया, आप ध्यान देंगे आप, हाँ होमवर्क का बात खत्म। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चन में डेटर्स से कनेक्टेड एक इंफॉर्मेशन डेटर्स वेलोसिटी आईसीएआई कई बार क्वेश्चन पेपर में डालता है, जो हम लोगों को डेटर का जो लेजर अकाउंट होता है ना उसके वेरियस फिगर्स को वर्कआउट करने के काम आता है। पर सर डेटर्स वेलोसिटी होता क्या है? ठीक है, डेटर्स वेलोसिटी नाम से भी समझ में आता है कि डेटर्स लेजर में ही काम आएगा, तो आप जो पहला वाला सेंटेंस बोले वैसे भी समझ में आया हुआ था। होता क्या है पहले यह बता दो आप, वो वक्त जो ऑन एन एवरेज हमारे डेटर्स पैसा क्लियर करने में लगाते हैं, नहीं समझे? The average time that our debtors take to clear their dues, सर क्रेडिट पीरियड बोल सकते हैं इसको, क्रेडिट पीरियड उधार जितना हम उनको अलाउ करते हैं, यस, उसी का दूसरा नाम है debtors velocity। तो synonym is, debtors velocity तो मेन नाम है, synonym is क्रेडिट पीरियड या क्रेडिट पीरियड अलाउड टू debtors, कॉपी में लिखो, लिखो इट इज द टाइम पीरियड दैट आवर डेटर्स टेक टू क्लियर देयर ड्यूज। आप लोग आज तीसरा दिन है क्लास का, आप लोग काकू से परेशान होने लग गए या अभी तक ठीक ठाक है? 10-15 दिन में आप लोग परेशान होने लग जाएंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट फादरली फिगर है, नहीं समझे? तुम वहां बैठो, तुम वहां बैठा, तुम किधर बैठा भाई, तुम किधर, इधर बैठ, हम ये सब नहीं करते। जो बच्चा जहां आया कंफर्टेबल हुआ बैठा पढ़ाई किया, ये मतलब मेरे को चिल्ला देता मेरे ऊपर ही, सो दैट्स फाइन। हा तो अपने इनकी एज को रिस्पेक्ट देंगे, क्या है दो बात अगर बोल भी दिए तो हम लोगों को कौन सा इनका इल इंटेंशन हम लोग के टूवर्ड्स हो सकता है? ओके मेरे को भी बोल देते मैं कुछ नहीं बोलता, ही इज ऑन माई पे रोल बट ही शाउट्स एट मी एट टाइम्स, सो इट्स फाइन ना, डन, क्या फर्क पड़ता है, उम्र का तो लिहाज है ना बेटा। चलो लिखो, लिखा क्या, सेंटेंस कंप्लीट हुआ? It is the average time period that our debtors take to clear their dues. So it is the credit period allowed to our debtors. Single entry में अगर कुछ नहीं बोला रहेगा ना, और नॉट ओनली सिंगल एंट्री इन एनी चैप्टर, अगर कुछ नहीं बोला रहेगा तो आप ये मान के चलना द ट्रांजैक्शंस आर इवनली अकरिंग थ्रू आउट द पीरियड। जनवरी का सेल, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब का सेल एक बराबर है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। अपन भी तो बोलते हैं ना यार एक बराबर है, इवनली है, तो वो नॉर्मल अजम्पशन मान लेना, और ये अजम्पशन ना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इंस्टीट्यूट उसको, जिसको बोलते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट मान लिया है कि बच्चे ऐसा मानेंगे और बच्चे लिखेंगे भी नहीं। ओके नाउ सी, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पहला ढंग का चीज पढ़ोगे, दो क्लास में कुछ अपन ढंग का नहीं पढ़े, अभी पहला ढंग का चीज पढ़ेंगे। ओके सो नाउ बी केयरफुल, अगर मैंने बोला डेटर्स वेलोसिटी वन मंथ, तो आप ये मान के चलना कि जनवरी में, जनवरी कोई मेरा पहला मंथ नहीं है, जनवरी इज माय 9th या 10th वाला महीना, मेरा अप्रैल से मार्च तक का साल चलेगा, मैं जनवरी बोल रहा हूं कुछ रीजन से।
अगर मैंने जनवरी में माल बेचा ना तो कलेक्शन फरवरी में आएगा। सोचो थोड़ी देर, एक महीना बाद ना, आर डेटर्स विल टेक 1 month टू क्लियर देयर ड्यूज। तो मैं जैन में जो माल बेचूंगा वो फेब में कलेक्शन आएगा, फेब में जो बेचूंगा मार्च में, और मार्च में जो बेचूंगा वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। अबे ठीक है अप्रैल में आएगा, तुम करेक्ट बोला है, जानबूझ के हमको दादागिरी दिखाना था। बट क्या लॉजिक से मैंने ऐसा बोला कि जो मार्च में सेल होगा वो आउटस्टैंडिंग रहेगा? क्योंकि ईयर एंड में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा तुझे। तो तुम जब बैलेंस शीट बनाओगे बेटा तो तुमको तो बाई बैलेंस कैरेट डाउन भी लिखना पड़ेगा। तो मार्च का सेल इज द बैलेंस कैरेट डाउन, इज द आउटस्टैंडिंग। इफ माई डेटर्स वेलोसिटी इज 1 month, शुड आई रिपीट या आप कंफर्टेबल हैं? गुड, तो फिर आप जवाब दो फिर। ओके, कुछ डांटेंगे नहीं, नहीं भी समझे हां बोल दिए, कोई वांदा नहीं है। 25 बार बोलोगे 25 बार समझाएंगे, अभी बाद में बात करेंगे, अभी रख दीजिए। हाँ रख दीजिए ना अंदर, बोले तो काकू। हाँ हाँ छोड़ दीजिए, क्या बोला फिर से? हाँ मान लीजिए डेटर्स वेलोसिटी 2 months। हाँ रुकिए 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 रुकिए, ये बच्ची पकड़ लिए चीज को, आप लोग दिमाग लगाइए। जनवरी का कलेक्शन मार्च में, फेब्रुवरी का नेक्स्ट ईयर में, फेब्रुवरी का नेक्स्ट ईयर में, यानी बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग रहेगा। मार्च का भी आउटस्टैंडिंग रहेगा क्योंकि मई में कलेक्शन आएगा। अपन मार्च एंड में अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो आवर क्लोजिंग डेटर्स विल कंसिस्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स ऑफ द लास्ट 2 months। तो ये जो वेलोसिटी देते हैं फेब्रुवरी एंड मार्च, तो ये जो वेलोसिटी देता है ना, ये यही इंडिकेट करता है। नहीं समझ में आया? एक मिनट, एक बच्चे को नहीं समझ में आया, 1 month वाला आ गया था तो फिर 2 month वाला देख। अगर मैं बोलूं 2 महीना के बाद, 2 महीना डेटर्स वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? हमारा डेटर 2 महीना बाद ड्यूज को क्लियर करेगा। तो अगर वो जनवरी में माल खरीदा तो फेब्रुवरी मार्च, मान लो जनवरी 9 को माल खरीदा तो मार्च 9 को पैसा दे देगा ना, जनवरी 9 के बाद मार्च 9, 2 महीना हो जाएगा। तो जनवरी का सारा सेल का कलेक्शन मार्च तक आ जाएगा, लेकिन फेब्रुवरी उसको, खाली उसको बोलने दो, आप लोग जो समझ गए वो नहीं बोलेगा अभी। हाँ जो नहीं समझा वो दिमाग लगा रहा है। फेब्रुवरी का सेल का कलेक्शन तुम सोचो कब आएगा? मार्च में तो आएगा नहीं, नेक्स्ट ईयर आएगा। तो फेब्रुवरी का सेल आउटस्टैंडिंग हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग मतलब क्लोजिंग डेटर्स। मार्च का सेल भी क्लोजिंग डेटर बन जाएगा। तो तुमको क्लोजिंग डेटर का फिगर कैसे निकालना है इसका एक रास्ता बताया गया। क्लियर है? अब सर इसको यूज कैसे करते हैं, ये एक सम में हमारे कैसे काम आता है, आइए वो दिखाते हैं। डोंट कॉपी इट नाउ, आप इसके बाद वाला एग्जांपल को कॉपी करोगे। ओके सीट, ये जो मैं DRS लिखता हूं डेटर्स है, लैक्स में है, साल 21-22। देखो तो बच्चों, कुछ सिग्नेचर नहीं है मेरा। कौन सा सिग्नेचर लगा रहे? ये है मेरा सिग्नेचर। S अग्रवाल लिखा हुआ है। S दिख रहा है? A दिख रहा है? अब तो सभी दिखेगा। G देखिए, R देखिए, AWALL। अब उतना भी सब ऐसे थोड़ी सिग्नेचर AW डिफिकल्ट है ना कॉपी करना, मैं खुद भी नहीं कर पाता कई बार। चलो छोड़ो, इधर इधर देखो, हो गया मजाक। बच्चों ध्यान दो, ओपनिंग डेटर्स 40 लाख,
कलेक्शन डेफिनेटली करेंट ईयर में आ गया होगा, एक महीना का उधार है, तो अगर अप्रैल का माने मार्च में भी माल बेचे होंगे तो अप्रैल में इसका कलेक्शन करेंट ईयर में आ गया होगा। 720 लाख का सेल कब किए? करेंट ईयर में किए। इवनली अगर मान ले तो महीना का बात करो सबको ही, 12-12 से डिवाइड करना आता है तो हाँ तो बोलिएगा, और नहीं तो कैलकुलेटर तो है अपने माथे पे मार लीजिएगा। मतलब 12 से डिवाइड नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे सीए? ठीक है ना बेटा, थैंक। कभी इस तरह से डांटू बुरा नहीं मानने का है, 25-26 साल ज्यादा उम्र है मेरी, अब तो और ज्यादा होगी, आप लोग तो 20 साल के भी नहीं होंगे। हाँ वही तो 18-19-20 ना, तो मतलब मैं आप लोगों से 31 साल बड़ा हो गया। बाप रे, जब मैं चालू किया था तो मेरे से एक साल बड़े बच्चे पढ़ने आते थे, मैंने स्टार्टेड, माई फर्स्ट स्टूडेंट वॉज 1 ईयर सीनियर टू मी, सेकेंड बैच के मेरे 10 स्टूडेंट मेरे से 1-1 साल सीनियर थे, एक आध बच्चे तो यहां पे हैं जिनके फादर मेरे से पढ़े हुए हैं। ओके, सो इतना बड़ा गैप हो गया, आप कैसे? बाप रे, अब ऊपर वाला बुलाएगा, इधर देखो ना, तुम लोगों को पहले सुनो, मैं ये बोल रहा था कि मैं बस बस हंस, ये इतना सा देर हंसी मजाक बस बेटा। तो अगर 720 लाख पूरे साल भर का क्रेडिट सेल है, महीना का 60 लाख बोल दें आराम से, हर महीना का इक्वल बोल दें, मार्च का भी 60 लाख बोल दें, हर महीना इक्वल तो मार्च भी 60, और क्लोजिंग डेटर अगर एक महीना का क्रेडिट सेल के बराबर है तो क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू 720 × 1/12 दैट इज 60। आपका पहला वर्किंग नोट होगा क्लोजिंग डेटर इज इक्वल टू क्रेडिट सेल इनटू, आगे तुम बोलोगे 1 हो गया डेटर्स वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय 12 हो गया टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। कैन आई मूव नाउ? ग्रेट, चलो हेल्प करो। ये हेल्प किए बे, ये हेल्प हुआ? थैंक यू, ग्रेट। चलो निकालो, ये मैंने अभी आप लोगों को कॉपी करने से मना किया क्योंकि मैं आपसे बनवाऊंगा दूसरा वाला, वो आपको लिखना है। आप कंफर्टेबल हैं? अब एक बार ऐसे बात करते हैं, जैसे मैं चाहूं प्लीज टॉक इन दैट मैनर। ओके, आप बोलेंगे बेटा 12 महीना में से, इस साल का जो 12 महीना था 11 महीना का कलेक्शन आ गया। देखिए मेरे वर्ड्स अगर कॉम्प्रीहेंसिव नहीं होंगे ना तो आप बोलिएगा कि सर वी आर अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड, आप हम लोग के तरीके से बोलिए। अगर समझ में आ जाएंगे ना तो फिर आगे बढ़िएगा, रुकिएगा मत। 11 महीने का कलेक्शन आ गया तो 11 6 जा, क्यों बोला समझे नहीं समझे? 660 लाख रुपया, 660 लाख का कलेक्शन तो इसी साल का था जो इसी साल में आ गया। अरे इतना पैदल कैसे चलेगा, समझे? अरे 720 लाख का माल बेचे ना, एक महीना का 60 लाख का माल बेचे ना, 11 महीना का तो कलेक्शन आएगा, एक महीना का ना पेंडिंग रहेगा, तो 11 महीना का कलेक्शन नहीं आएगा, तो 11 × 60 660 और पिछला बार का 40 बाकी था, पिछला बार का भी तो 40 बाकी था, उसका भी तो कलेक्शन आएगा, तो पुराना 40 प्लस 660 इज इक्वल टू 700। तो अगर किसी स्टूडेंट को एकदम भी एग्जाम में टाइम ना हो, एक मिनट का डेटर अकाउंट बनाने का टाइम ना हो और उसको 700 का फिगर चाहिए होगा तो वो फिंगर्स पे निकाल के फटाफट क्लोज कर देगा क्वेश्चन को, नहीं समझे? तो वो सब मैनेजमेंट स्किल भी सीखना पड़ेगा कि सर सारा सम नहीं बनता है तो कितना चीज हमें करके आना चाहिए। मेन सोल्यूशन होना जरूरी है, एकाध दो लेजर कम बनाओगे एकाध दो मार्क्स कम मिलेगा, पर लेजर बनाने के चक्कर में मेन सॉल्यूशन छूट जाएगा ना तो 50% मार्क्स वैसे ही खत्म। यू गॉट द पॉइंट? तो ये भी ध्यान रखना, मैं भी मानता हूं कि वर्किंग नोट बनाना इंपॉर्टेंट है
लेकिन वर्किंग नोट बनाना सॉल्यूशन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, बंद करूं इस बात को? चलो कॉपी में लिखो एग्जांपल। क्या बच्चों, ये सिचुएशन हमारे बूते का बन गया? इसको हम लोग बना पाएंगे एग्जाम में, चाहे जिस किसी तरीके से अगला वेलोसिटी दे दे, हाँ दो तीन डिजाइन का और करके दे, मतलब अब मेरा नॉलेज शेयरिंग बंद, तेरा एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज स्टार्ट। ओके, ज्यादा मैनेज करके दो। कॉपी करना है बेटा, अप्रैल टू फरवरी और ये वाला मार्च। ये पूरे साल भर का सेल्स क्या है? साल भर का सेल्स 430 ना, 400 तो नहीं है। क्यों नहीं है सर? उसमें मार्च का सेल नहीं है। आप जानबूझ के ऐसा डेटा दिए हो। आपने यहां अप्रैल टू फरवरी का 400 दिया है और मार्च का 30 दिया है, तो इतना तो बुद्धि हमको है कि 12 महीना साल होता है, तो 12 महीना का सेल लेना है। दैट मच वी आर ओके। बच्चों, जिन जिन लोगों ने बना लिया वो लोग तो जवाब देंगे, जो लोग नहीं बनाए वो लोग समझेंगे। एक महीने का उधार है, देखिए। हेलो एवरीबॉडी, मैं क्यों ऐसे फिंगर दिखा रहा हूं? ये पूरा मार्च वाला अमाउंट ही तो आउटस्टैंडिंग रहेगा, बिकॉज फरवरी तक के सेल। बोलना बंद कर दिया आप लोग, फ्यूज उड़ गया कि? ठीक है ना, फरवरी तक का तो कलेक्शन आ ही गया होगा, मार्च का तो कलेक्शन पेंडिंग होगा, तो
तो मार्च का सेल 30 लाख का है, तो मेरा क्लोजिंग डेटर 30 लाख है, वो सर इस बार सेल्स आर नॉट टेकिंग प्लेस इवनली, आप तो देख ही रहे हो, दे आर नॉट टेकिंग प्लेस इवनली, देखिए जरा, नहीं दिख रहा है सेल्स आर नॉट टेकिंग प्लेस इवनली, क्योंकि अगर मार्च का 30 होता तो बाकी 11 महीना का भी 330 होना चाहिए था, वो तो नहीं है, दैट मीन्स सेल्स आर नॉट टेकिंग प्लेस इवनली, दैट मीन्स पीछे वाला ट्रिक नहीं लगा सकते, अरे वो तो इवनली में ना लगाओगे बाबू, यहां तो अनइवन है, क्वेश्चन क्लियर है कि हम अनइवन है, ओके ओ सर, तो ये भी ध्यान देना पड़ेगा हर बार, आंसर इज यस, इतना तो मिनिमम ध्यान देंगे ना बेटा, चले आगे, हेल्प करो, ये हेल्प नहीं होता है, ये जो किया जा रहा है वो हेल्प नहीं है, ये दौड़ाना हुआ आदमी को, तो सर इन द इवेंट, ठीक है, इन द इवेंट व्हेन द सेल्स आर नॉट इवन, वी कैन डिवाइड 12 टू फाइंड, और वी कैन डिवाइड द सेल बाय 12 टू फाइंड द वन मंथ का सेल, वी हैव टू बी केयरफुल टू फाइंड हाउ मच सेल्स आर आउटस्टैंडिंग, कितने का डेटर का कलेक्शन नहीं हुआ है वो हमें केयरफुली कलेक्ट करना, आई मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके एक और सिचुएशन दू मैनेज करने के लिए, गुड लिखो, हाँ बेटा कर रहा हूं कर रहा हूं, इस बार डेटर से सेल निकलेगा, सेल से डेटर बहुत निकाल लिए, इवनली है सेल, ओपनिंग डेटर 50 लाख, क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से 20% ज्यादा 60 लाख, तो वो मार्च महीना का सेल हो गया, अगर वन मंथ का वेलोसिटी तो वो मार्च महीना का सेल हुआ कि नहीं बोलो, जो 60 लाख तुमने बोला 60 बोला ना, अच्छा आप लोग कॉपी कर रहे हो क्वेश्चन, एक बार कर लो, मैं वेट करता हूं, बच्चे लोग क्वेश्चन नहीं लिखे अभी तक बेचारे लोग, लिख लो, हाँ हाँ अब सब लोग दिमाग लगाओ मेरे साथ, क्या लिख, ये स्टॉप, ये जो हो गया सर बोल करके, 4-5 के बच्चे थोड़ी हम लोग, क्लोजिंग डेटर 20% ज्यादा ओपनिंग डेटर से, ओपनिंग डेटर दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर फट से 60 लाख आ जाएगा, 20% ज्यादा ही तो लिखा है, जैसे ही क्लोजिंग डेटर आया वन मंथ का वेलोसिटी आया, क्या पकड़ोगे इसको, सर ये 60 लाख रुपया इज द सेल ऑफ मार्च मंथ, ये मार्च का सेल है, तो अगर ये मार्च का है तो पूरे 12 महीना का सेल कितना होगा, 12 महीना का सेल हुआ 60 × 12 720, क्या लगता है बाकी चीज लिखने लायक नहीं है, बोलिए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
तो सर डेटर्स वेलोसिटी को मैनेज करने का स्किल हम लोगों ने डेवलप कर लिया आधे घंटे में, पक्का? कॉपी में लिखो पॉइंट नंबर 7। लिखो क्रेडिटर्स वेलोसिटी। लिखिए दिस इज द एवरेज, लिखते जाओ, दिस इज द एवरेज टाइम पीरियड that our creditors allow us to pay their dues। उनके ड्यू को क्लियर करने के लिए क्रेडिटर हमें जितना वक्त अलाउ करते हैं, दैट इज, बोलो, क्रेडिटर्स वेलोसिटी, फुल स्टॉप। इट वर्क्स इन द सेम मैनर एज डेटर्स वेलोसिटी। हम इसका अलग से एग्जाम्पल नहीं दे रहे हैं, डेटर्स का 3 एग्जाम्पल जैसा था, क्रेडिटर्स वेलोसिटी का तीनों एग्जाम्पल सिमिलर रहेगा। सो जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। कैश डिफल्केशन, थेफ्ट, चोरी, लॉस है कि असेट? वर्ड्स पे ध्यान देना, लॉस है कि असेट है? मांग के लेके जाने में, मार के लेके जाने में फर्क है, बोलिए। हाँ हाँ, मांग के लेके गया तो असेट है, वापस देगा? कोई भी बंदा अगर तुमसे मांग के लेके गया तो असेट है, वापस देगा, मार के लेके गया तो लॉस है। पी एंड एल में ट्रांसफर करना है, पी एंड एल भी अपन को ही बनाना है, बैलेंस शीट भी अपन को ही बनाना है। कोई बंदा पैसा चोरी किया, कोई बंदा पैसा लेकर के गया, और अगर आपको पता चला डिफल्केशन है तो आपके दिमाग में पहला घंटी बजना चाहिए, दिस इज अ लॉस, वी विल डेबिट इट, है ना? वी विल, नहीं, पहले लॉस को डेबिट करेंगे, फिर दिस लॉस विल बी डेबिटेड टू द पी एंड एल। दो ट्रांजेक्शन है, सैलरी टू कैश, फिर पीएल टू सैलरी। तो आप सेकंड वाला बोल रहे हो, एकदम हम रेडी हैं, सेकंड वाला ही करेंगे, पर बेसिक अकाउंटिंग एंट्री तो लिखा दें, उसके बाद हम आपका वाला काम करेंगे। सो वन, दिस इज अ लॉस, वी विल डेबिट इट। बोलते ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो दिस डिफल्केशन इज ऑल्सो ए लॉस। कैश चोरी हुआ है, मान लीजिए आपके पॉकेट में 2000 रुपया कैश था, किसी ने पॉकेटमारी कर लिया, आपको जनरल एंट्री मारना है, टू कैश इज ऑब्वियस, बोलो हाँ या ना? क्योंकि कैश तो आउटफ्लो तो हो ही गया ना, कैश तो चला ही गया, तो टू कैश तो होगा ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये सब बोलने में हमको बहुत दिक्कत होता है। हेलो, सब तुरंत जैसे मैं रुकू ना, क्रेडिट व्हाट गोज, फट से बोल देना गोज आउट, थोड़ा हेल्प हो जाएगा मेरे को इन सब चीजों में। ओके, हम लोग से सीधा एंट्री निकलता है, बेसिक रूल सब निकलने में दिक्कत होता है। क्या तुम लोग बोलते हो? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ओके, ये मेरे को हेल्प कर देना थोड़ा सा। सो 2000 रुपया का चोरी हो गया कैश, टू कैश लिख दिए, डेबिट यही वाले नाम से लेजर बना देना, दिस इज द नेम ऑफ द लेजर।
ओके, सो योर जर्नल एंट्री इज, कॉपी कर लो. नीचे एक लाइन लिखो, डिफल्केशन बीइंग अ लॉस, डिफल्केशन बीइंग ए लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेंटेंस को रिपीट करो, डिफल्केशन बीइंग अ लॉस शुड बी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट. तुम जर्नल खाली बोलोगे, लिखोगे नहीं, क्योंकि जर्नल ही लिखा हुआ वो ऊपर में जो लाइन है वो साला जर्नल ही है कि नहीं. तुम जर्नल बोल दो, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डिफल्केशन. यहां देखिए, जब पी एंड एल अकाउंट हम बनाएंगे, 2000 रुपीज का लॉस यहां पे डेबिट करेंगे, जैसे टू बैड डेट लिखे हैं वैसे ही टू डिफल्केशन भी लिखेंगे. कोई डाउट? आगे बढ़ जाएं. नाउ तुम्हारा फाउंडेशन का नॉलेज यूज करोगे. ओके, नाउ लिसन, मान लीजिए मेरा कैश इंश्योर्ड है, मेरा कैश इंश्योर्ड है, हम अपना सारा असेट का इंश्योरेंस लेके रखे हैं इंक्लूडिंग कैश, ऑल असेट्स आर इंश्योर्ड. तो जब ये चोरी हुआ तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया कि सर ऐसे 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 चोरी हो गया है. उन्होंने जो जो अपना क्वेश्चन पूछना था मेरे से क्वेश्चन पूछा, दो दिन के बाद उन्होंने रिप्लाई भेज दिया. रिप्लाई वॉज 90% अप्रूव्ड, 90% अप्रूव्ड. उनका पैसा अभी तक नहीं आया, अप्रूवल लेटर आ गया, क्योंकि चोरी हुआ था 27 मार्च को, 29 मार्च को अप्रूवल आ गया. पैसा आ जाएगा 2-4-10 दिन के बाद, पर अप्रूवल आ गया. विल आई ट्रांसफर द एंड क्वेश्चन, तो सुन लो. अभी क्वेश्चन ऐसा बनाओ तेरा नो गलत हो जाएगा, बन जाएगा ना, हम कुछ भी बना देंगे ना बेटा, तू इतना स्मार्ट क्यों. Will I transfer the entire 2000 rupees to P&L? No. 1800 is asset na? No. 1800 rupees asset hai na? No. Bolo kyun? Achha bachcho, bolne ka tarika dekhiye kahan? 1800 rupees asset hai, 200 rupees loss hai. Is pe notice kijiye ga. Yehi sab aapko bolne ka taakat develop karna hai. Aap samajh rahe ho? Journal se asset nahi niklega. असेट तेरे को मालूम है वैसा जर्नल करेंगे. योर जर्नल विल नॉट डिसाइड वेदर दिस इज एन असेट और नॉट, यू विल फर्स्ट डिसाइड दिस इज एन असेट, अकॉर्डिंगली यू विल मेक द जर्नल. नहीं समझे? क्लियर है ना बेटा? चल बता, मैंने ऐसा क्यों बोला 1800 असेट है 200 लॉस है? 90% उन्होंने अप्रूव कर दिया है तो वो पैसा आपको मिल जाएगा. लॉस 200 रुपया का ही तो हुआ ना, बाकी जो 10% वही तो पीएल में जाएगा, बाकी 1800 रुपीज असेट साइड में जाएगा. इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल इज द नेम ऑफ द असेट. असेट का नाम क्या है? इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल, दैट इज द नेम ऑफ द असेट. ICR, शॉर्ट में ICR, इंश्योरेंस क्लेम रिकवरेबल. सेकेंड वाली जर्नल एंट्री दीजिए, सेकेंड वाली. ICR भी खड़ा होना चाहिए, ICR भी तो खड़ा करेंगे ना. इसके बाद इस ट्रांजैक्शन का जर्नल दीजिए. हाँ भाई, जिसने लॉस बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने भी लॉस बोला हम नाराज नहीं है. लॉस की जगह प्रॉफिट एंड वर्ड चिपका दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जाना वही है लॉस को मेरे बच्चे, मैं नाराज नहीं हूं. व्हाई नॉट सेइंग द फुल वर्ड्स? स्टार्ट तो कम से कम ठीक से करें. पी एंड एल डेबिट
to defalcation. कॉपी में ये वाली अकाउंटिंग को पहले नोट लिखो, फिर ये वाला जर्नल करोगे. नोट लिखो, से ऐसे वाई से द इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्स अ क्लेम ऑफ 90% before the end of the year. The full stop karo. The ICR insurance claim recoverable will be $1,800 into 90%. द सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी. आप लोग ये ऊपर वाले का फिगर लिखे थे क्या? अगर नहीं लिखे तो आप फिगर लिख लो, क्योंकि मैंने 90% को बेस बनाया है तो ऊपर का फिगर अब लिखना पड़ेगा, है ना? क्या लिखा? 1800. द सेकेंड जर्नल एंट्री विल बी insurance claim recoverable account debit P&L account debit to defalcation. बात कर रहे ना हम, कहां खत्म हुआ मेरा? क्लियर है ना? सामने मान लीजिए 27 मार्च को चोरी हुआ, ठीक है, हम अप्रूवल उसके लिए डाल दी इंफॉर्मेशन उनको कि भाई मेरा चोरी हो गया पैसा. 31 मार्च तक अप्रूवल नहीं आया, हमको 31 मार्च को बैलेंस शीट क्लोज करना है. पूरा लॉस या पूरा असेट? पूरा लॉस या पूरा असेट? श्योर आप करेक्ट हैं? मुझे बात करनी है थोड़ी देर और. गुड. क्यों ऐसा किया आप लोग? इंश्योरेंस तो है, इंश्योरेंस तो है सर. इंश्योरेंस है तो क्या हुआ? मना कर दिया तो आपका गलती से चोरी हुआ तो आप फेंक फेंक दिए तो कुछ भी हो सकता है ना सर, कुछ भी हो सकता है. उनका अप्रूवल लेटर आने दीजिए तभी असेट लिखेंगे. जब तक अप्रूवल लेटर नहीं आता है इट्स ए कॉन्टिंजेंट असेट. इट्स अ एक्साइटेड मत होइएगा, तुरंत तुरंत बोलिएगा मत, आराम से सुनिएगा. इट्स अ कॉन्टिंजेंट असेट और कॉन्टिंजेंट असेट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. इवन कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को नहीं किया जाता यार, पढ़ाएंगे हम आपको सिलेबस में आपके. कॉन्टिंजेंट असेट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. तो सर अभी क्या करें? अभी लॉस लिख के खत्म कर दो. अब इसी से सटा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन कि मान लो हमने 2000 रुपया का लॉस लिख के पीएल में ट्रांसफर कर दिया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, ये सब लिखाएंगे, फोर्थ पॉइंट बाकी है, पीएनएल टू डिफल्केशन करके खत्म कर दिए. 19th मई को अगला साल, 19th मई 2022, हाँ 19th मई को इंश्योरेंस कंपनी का अप्रूवल आ गया 1800 रुपया का. उसके अगले दिन चेक भी आ गया. बैंक अकाउंट डेबिट भी कर दिए हम. क्या मेरे पास कोई असेट है अभी डेबिट साइड में जिसके अगेंस्ट में ये पैसा मिला मुझे?
क्या मेरे पास, सवाल सुनिएगा अच्छे से, आप ही के क्वेश्चन को आगे बढ़ाए हैं, आपने मुझे खुद बोला है सर लॉस को पीएल में राइट ऑफ कर दीजिए, वही क्वेश्चन उसी के तो आगे बढ़ाए, 19 में नहीं समझ में आ रहा है। हेलो, आप ही के क्वेश्चन को आगे बढ़ाए, हमने लॉस को ऑलरेडी पीएल में राइट ऑफ कर दिया, से उसके बाद मेरे को 19 मई को, क्योंकि मैंने तो क्लेम तो डाल ही दिया था, 19 मई को मेरे पास चेक आ गया 1800 रुपीस का, मुझे इसे इनकम लिखना पड़ेगा। क्या बोला, फिर से बोलो, ये इनकम है मेरे लिए। अब मैं नहीं बोलूंगा मेरा लॉस कम हो गया, क्योंकि लॉस तो हम ऑलरेडी पीएल में राइट ऑफ कर चुके हैं, तो अभी मेरे को 1800 रुपीस इनकम लिखना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब रिसीवेबल क्रेडिट मत कीजिएगा, क्योंकि आपके पास कोई रिसीवेबल डेबिट किया हुआ नहीं है, जो पैसा वापस आया है ये इस सम के अगेंस्ट में नहीं आया है, नेक्स्ट वाला जो लाइन लिखाए है ना उसका वाला पैसा आया है, नेक्स्ट वाला लाइन लिखाए मतलब जो बात चल रहा अभी, समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैंने असेट खड़ा किया, असेट के अगेंस्ट में पैसा आया, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर क्लेम अप्रूव ही नहीं हुआ मार्च के पहले और हम लॉस को पीएल में राइट ऑफ कर दिए मार्च में, उसके बाद भी मेरा क्लेम थोड़ी खत्म हो जाता है बाबू, हम तो क्लेम करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी तो हमको पैसा नेक्स्ट ईयर में देगा, तब हमको इनकम लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग बैड डेट रिकवरी नहीं करते हैं, बैड डेट रिकवरी वर्ड याद है, ये वैसा ही चीज है। कैसे नहीं हुआ, यही तो अक्रूवल है कि पिछला साल वो अक्रूवल नहीं हुआ था, वो अक्रू इसी साल हुआ, उनका अप्रूवल आगा तब ना अक्रूवल होगा। ये इस तरह का असेट है जहां पे उनका अप्रूवल आ भी सकता है, डिसअप्रूव भी हो सकता है, तो जब तक अप्रूवल नहीं आ जाए हम इनकम लिख देंगे और उसके बाद मुझे इनकम रिवर्स करना पड़ेगा, वो ज्यादा डेंजरस है ना। लिखो कॉपी में, स्टार लगा दो नीचे, लगा दिए, लिखो, इफ द इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट अप्रूव्ड, इफ द इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट अप्रूव्ड बाय द एंड ऑफ द ईयर, वी विल ट्रांसफर द एंटायर अमाउंट ऑफ डिफल्केशन, वी विल ट्रांसफर द एंटायर अमाउंट ऑफ डिफल्केशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फुल स्टॉप, पैरा चेंज कंटिन्यू, हाँ पैरा नंबर वाइज कुछ नहीं करना, खाली पैरा चेंज, इन द नेक्स्ट ईयर व्हेन द क्लेम इज अप्रूव्ड वी हैव टू रिकॉर्ड एन इनकम The journal entry will be ये वाली journal entry करो, bank account debit to insurance claim received, लिख पाए, कोई डाउट है मन में, अगला पॉइंट पे चलें, लिखो, नंबर 9 होगा क्या, ओके,
वही जिसको आप लोग लॉस इन ट्रांजिट, अबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर वगैरह नहीं बोलते थे क्या, उसी का एक दूसरा नाम बस। आप इसको गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर भी बोल सकते हो, बस उस वक्त डिफल्केशन नहीं, तेरा आग की वजह से नुकसान हुआ, अभी चोरी की वजह से नुकसान हुआ। ओके, बात एक बराबर है। इसका अकाउंटिंग आप लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, देखें आपको याद आता है तो। गुड्स विड्रॉन का जर्नल क्या होता है? गुड्स विथड्रॉन का ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, याद है आप लोगों को? ड्रॉइंग टू परचेजेस, उस ड्रॉइंग को बाद में कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट बनाते वक्त, वो आपको मालूम है। कल भी हम लोगों ने ड्रॉइंग को कैपिटल में ट्रांसफर किया था आपके सामने, आप ही लोगों ने किया था, यहां देख लो। दैट वी विल एनी वे डू, वेदर इट्स ए गुड्स का ड्रॉइंग या कैश का ड्रॉइंग, हार्डली मेक्स ए डिफरेंस टू अस। ड्रॉइंग इज ड्रॉइंग, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल, फुल स्टॉप, दी एंड। पर गुड्स विदड्रॉन का जर्नल ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज होता है। एक क्वेश्चन पूछूंगा, ओके? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जवाब दे पाएंगे तो, हां कोई टेंशन नहीं। कैश डिफल्केशन का जर्नल, अच्छा छोड़ो यहां से नहीं, गुड्स विड्रॉन बोल रहा था ना, मैं यहां लिखता हूं। कैश का जब ड्रॉइंग हुआ था कल, तो क्या जर्नल मारे थे? तो फिर स्टॉक विड्रॉवल जब हो रहा है, गुड्स विड्रॉवल जब, गुड्स माने तेरा स्टॉक ही तो, तेरा अपना ही तो स्टॉक विड्रॉ कर रहा है, तो तुम ड्रॉइंग टू परचेज क्यों लिख रहा है? सोच के आराम से, हाँ कोई हड़बड़ी नहीं बेटा, नहीं बोलेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रॉइंग टू परचेजेस क्यों? क्योंकि हम लोग जब डे टू डे, करेक्ट बोले आप, जिन बच्चों का आवाज आया मेरे को सुनाई दिया वो करेक्ट था, उसी को रिपीट कर रहा हूं मैं। क्योंकि सर जब हम लोग गुड्स परचेज करते हैं ना, तो स्टॉक टू कैश नहीं लिखते, परचेजेस टू कैश लिखते हैं। आवर अकाउंटिंग, इसको केयरफुली सुनिएगा, आवर अकाउंटिंग सिस्टम इज डिजाइंड इन सच ए मैनर दैट गुड्स को छोड़ करके बाकी कोई भी चीज परचेज करते हैं ना, तो उसके नाम से वो परचेज डेबिट होता है। गुड्स एक अकेला परचेज है जिसके लिए परचेज अकाउंट को अलग से डिमार्केट किया गया है। यू परचेज ए बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बट व्हेन यू परचेज गुड्स, दोनों में तो परचेज परचेज वर्ड है, पर गुड्स के साथ इस तरह का खास बात किया गया है क्योंकि गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होता है। उस गुड्स को आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट में शिफ्ट करते हो, उसके लिए इजी अकाउंटिंग होने के लिए परचेज अकाउंट को डिमार्केट किया गया है। क्योंकि हम गुड्स का परचेज परचेज में डालते हैं, इसलिए गुड्स का विड्रॉवल परचेज को क्रेडिट करके किया जाता है। वी गॉट इट? अगर कभी स्पेसिफिक, देखें देखें ये मैनेज करो, अगर कभी स्पेसिफिकली ऐसा लिख दे कि द गुड्स आर विड्रॉन फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक का लेजर है तुम्हारे पास, याद कीजिए ओपनिंग स्टॉक का लेजर होता है कि नहीं अपने पास भाई? जब क्लोजिंग स्टॉक आप यहां लिखते हो, इधर देखो, जब क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखे थे ना कल, तो अगले साल जब ब्रॉड डाउन करोगे तो ओपनिंग स्टॉक ब्रॉड डाउन होगा कि नहीं? तो अगर ओपनिंग स्टॉक वर्ड लिखा साफ साफ और यह भी लिखा गुड्स आर विड्रॉन फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, उस वक्त आप ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक लिख देना, टू परचेज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको साफ लिखा है कि मैंने ओपनिंग स्टॉक से गुड्स विड्रॉ किया है। अगर ऐसा नहीं लिखता है तो ड्रॉइंग टू परचेजेस आपने जो पढ़ा है वो परफेक्ट है। डिड वी गेट इट? नाइस। तो फिर एक बात बता, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर एडवर्टाइजमेंट का जर्नल क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। मतलब यह हुआ कि हम लोग ये मानते हैं कि यह सारा जो गुड्स का कहानी हो रहा है यह परचेज के अगेंस्ट में हो रहा है। ट्रू, नॉर्मल है, ऐसा ही होना भी चाहिए। नाउ सेम चीज,
मान लीजिए मैंने बोला 10,000 रुपया का मेरा स्टॉक चोरी हो गया, स्टॉक डिफल्केटेड, गुड्स डिफल्केटेड, जर्नल एंट्री डिजाइन कीजिए खुद, स्टॉक डिफल्केशन अकाउंट, यानी मान लो डिफल्केशन अकाउंट, गुड टू परचेजेस, कॉपी में जर्नल एंट्री लिख दो, स्टॉक डिफल्केशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लिख पाए, लिखो, पूछना है कुछ, ओके लिखो, देयर आफ्टर, नीचे लिखोगे देयर आफ्टर दो ठो एसी चला दीजिए, आठ, हाँ छह चला दीजिए और एक नंबर चला दीजिए, दो नंबर चला दीजिए, दो चला दीजिए, क्या लिखा बच्चों? अच्छा एसी में इस तरह से क्या बोला जाता है, ये दो नंबर चलाइए, आठ चलाइए, दो चलाइए, ऐसा मैंने क्यों बोला, ये जो सामने वॉल है, मतलब आप तो बैक साइड में है, ठीक मेरे सामने अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वॉल माउंटेड एसी लगा हुआ है यहां पे, एट नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स, आप वहां मत देखिए, आपके वहां पे नहीं है, थोड़ा सामने तरफ है, आप लोग हमेशा गर्मी में रहेंगे, जो पीछे की बेंचेस में बैठेंगे वो गर्मी में रहेगा, उनको अगर एसी का ठंडा चाहिए तो वो वाला एसी चलेगा, नहीं समझे, वो एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए है, और वो वाला एसी एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए है, हम लोग सामने जितने बच्चे बैठते हैं ना उनके लिए सामने में यहां पे वॉल माउंटेड एसी है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, टोटल यहां पे आठ एयर कंडीशनर है, टोटल मतलब यहां पे, इधर में जो दिख रहे हैं वो अलग है, इनके नंबर किए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आपको गर्मी लगाना तो मैंने आठ नंबर चलाने बोला उसको, या छह नंबर चलाने बोला इस साइड का, इधर वाले बच्चे भी थोड़ा सा परेशान होते हैं तो 1, 2, 3, 4 चलता है, माने गर्ल्स लोग परेशान होंगी तो 1, 2, 3, 4 चलेगा, बॉयज लोग परेशान होंगे तो 5, 6, 7 और 8 चलेगा, ओके ये नंबर सिस्टम है एसी का, लिखो आगे, बाद में पूछोगे, अभी से समझा दी, लिखो आगे, देयर आफ्टर द ट्रीटमेंट सजेस्टेड इन द अबव पैराग्राफ, the treatment suggested in the above paragraph number, उसका number दे दो ऊपर वाले paragraph का जो cash defalcation वाला था, number 8 will be valid. इसके बाद इंश्योरेंस किया हुआ है कि इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम मिला कि नहीं मिला, वो सब जो पहले पढ़ाए थे ना वो स्टॉक डिफल्केशन के लिए भी सेम रहेगा, डन, पॉइंट नंबर 10, रेडी, लिखिएगा कि कैसे लिखाऊं इस सेंटेंस को, लिखो कि देर इज अ, बच्चों ये पैराग्राफ नहीं, मतलब पैराग्राफ तो है पर इसका कोई हेडिंग नहीं है, ये इंस्टीट्यूट का एक सिचुएशन बच्चों को देने का तरीका है, जिसका तरीका और सॉल्यूशन दोनों बता रहा हूं मैं, ठीक है, लिखो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में, पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन
हैज बीन प्रोवाइडेड एंड, फिर से इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड, यहां पे भी फंसाता है वो लोग इस सेंटेंस से। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। नीचे लिखो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड इंडिकेट्स, हां नेक्स्ट पैरा, डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड इंडिकेट, पहला सेंटेंस लिख लिया था ना बेटा, क्या चीज पास्ट है कौन सा फ्यूचर है, पहले वाला पास्ट टेंस है, दूसरा वाला फ्यूचर है, इसका इसका रोल क्या है, गोल क्या है, तुमको क्या करना है वो बता रहे हैं, तुम देखना तुम जवाब दे देगा, हमको वहां तक जाने दो। डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड इंडिकेट्स दैट द क्लोजिंग WDV ऑफ द एसेट क्लोजिंग, अच्छा आप लोग WDV वर्ड बोलते हो, थैंक यू, द क्लोजिंग WDV ऑफ द असेट दैट इज गिवेन इन द क्वेश्चन इज आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, फुल स्टॉप। फिर से पैरा चेंज, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड इंडिकेट्स डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड इंडिकेट्स दैट द क्लोजिंग WDV इंडिकेट्स, इंडिकेट्स बोलते हो ना वर्ड, इससे ये पता चलता है इंडिकेट्स क्या लिखा बेटा, इंडिकेट्स दैट द क्लोजिंग WDV गिवन इन द क्वेश्चन इज बिफोर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन, depreciation word देखिए, इसको handle कीजिए, opening fixed asset, क्लोजिंग फिक्स्ड असेट, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10% लगाना पड़ेगा। मेरे दो क्वेश्चन तुमको, पहला तुम तो रिपीट कर दिए वही जो मैंने लिखाया, थैंक यू इंग्लिश समझने के लिए। अब अगला काम जो इंपॉर्टेंट है, ये 200 परचेज ड्यूरिंग द ईयर है, ये 200 इसका मतलब परचेज ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुआ क्या, फिर 400 से 600 हुआ तो 200 परचेज है ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो अभी हम लोग डालेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो डाला हुआ नहीं है। अब याद करो कल वाला क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन में क्या था, 232 याद कीजिए, कल ही सम बनाए थे आप लोग लिखिए मत, मैं खाली देख रहा हूं यहां पे क्वेश्चन पेपर में, 232 ओपनिंग था, 240,800 क्लोजिंग था, बोलो हाँ, और नीचे लिखा था परचेज 63,600, आप लोग मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के दिए थे, वहां कुछ बोला ही नहीं था, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड हैज बीन प्रोवाइडेड रेट परसेंटेज कुछ नहीं बोला था। तो आप लोग अपना कॉमन सेंस अप्लाई किए, पहला ही क्लास था, पहला ही सम बना रहे थे, यू अप्लाइड योर सेंसेस, यू सेड कि 232 से 63 ऐड करेंगे तो 284-285 आ जाएगा, फिर 240 बचा माने 55,000 का डिप्रिसिएशन,
आई थैंक्ड यू एंड मूव्ड फॉरवर्ड, डन। आज का क्वेश्चन देखिए, 400 दिए, 600 दिए, नहीं समझे, और नीचे लिखे डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 10%। अब आपको दो काम करना है, एक तो ये विश्वास करना है कि देयर इज ए परचेज, नहीं ऑफ बोलना है भाई, यस सर नहीं चलता मेरे यहां, फिर यस सर, देयर इज ए परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट ऑफ 200, नहीं तो 400 का 600 हुआ कैसे, हेलो। एंड फिर डेप्रिसिएशन हमको प्रोवाइड करना है 600 का 10%, मान लो 200 का जो परचेज है वो फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर में हुआ है, से 200 इज परचेज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर, और ऐसे भी ना सिंगल एंट्री में और आगे भी सारे चैप्टर्स में, अगर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं दिया होता है, फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर मानते हैं, बीकॉम में मिडिल मानते हैं, सीए इंटर सीए फाइनल में फर्स्ट डेट मानते हैं, ओके, इफ डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट गिवन वी विल अज्यूम दैट द ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस ऑन द फर्स्ट डेट, हालांकि वो लोग हमेशा डेट दे देता है बट फिर भी मैंने बोल दिया। आगे तो फिर ये 600 बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो तेरा एक्चुअल क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, एक्चुअल क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितना है, 540। तुम अपने मन मन में इसको 540 पकड़ लेना और तुरंत दिमाग लगाना, 400 प्लस 200 600 माइनस 60 560, तुम कंफर्टेबल फील करेगा, डन। नीचे लिखो, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल कॉपी करो, कर लिए कॉपी, ये तीन क्वेश्चन के आंसर करो और एक लेजर बना के दो, दो नंबर बंद कर दीजिए, बोलिए परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, थैंक यू, कैसे निकाले सर, 600 माइनस 400 करके निकाले, डेप्रिसिएशन 60, और इसमें हम लोगों ने अजम्पशन लिया है कि जो परचेज हुआ है वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ, यही अजम्पशन आपको लेना अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो, ओके okay? अब आप मेरे को लेजर बना के दीजिए, मैंने कैश लिखा आप बैंक लिखेंगे तो काटिएगा मत, काटेंगे तो मुझे गुस्सा आएगा, अगर आपने बैंक लिखा होगा तो। चारों अमाउंट बताइए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 400, टू कैश 200, बाय डेप्रिसिएशन 60, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 540। अब अगर आपको मेरे ऊपर नाराज होना है कि सर आप 540 लिखे क्यों, क्वेश्चन पेपर में तो 600 दिया हुआ था, तो उसी का तो लेक्चर दिया आधा घंटा तक, नहीं समझे बेटा, वो जो क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी दिया है ना वो तुमको फंसाने के लिए दिया है, वो क्लोजिंग डब्ल्यू डीवी नहीं है, वो डब्ल्यू डीवी बिफोर डेप्रिसिएशन है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड लिखा है, ये हमें प्रोवाइड करना है,
हम बिना प्रोवाइड किए क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट ने दिया है, तो ये उनके प्लान्स होते हैं, उनका गेम प्लान कि बच्चे यहां फंस जाएं। बोलेगा साला 200 का परचेज भी हुआ और डिप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया और 600 ही बचा। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये प्रॉब्लम का एरिया है, तो वर्ड्स को केयरफुली पढ़िएगा सिंगल एंट्री में। ओके नीचे लिखो, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। लिखो लिखो, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। आप लेजर के थ्रू से भी इनको ढूंढ सकते हो, पहले इनका आंसर देना कोई जरूरी नहीं है। देखिए दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उन दोनों बच्चों ने तो सही बोल दिया, बाकी लोग लगाइए दिमाग, और आप लोग कमजोर नहीं है, जस्ट गिव इट सम टाइम। सर परचेज आप नहीं बताएंगे? नहीं सर। क्यों? गंदे आदमी हम, आपसे मेहनत करवाना है ना, 20 मार्क्स का सम देंगे। कैसे पकड़ाई में आएगा बोलिए? 720 इज 90%, क्योंकि अगर 10% डिप्रिसिएशन उन्होंने प्रोवाइड किया है और परचेज अगर फर्स्ट डेट में हुआ है, जवाब दीजिए, परचेज अगर फर्स्ट डेट में हुआ है और 10% डिप्रिसिएशन अगर प्रोवाइड हुआ है तो ये 90% है कि नहीं है? और अगर ये 90% है तो 100% इज 800, 720 डिवाइडेड बाय 90%, यस और नो? तो अगर 800 इज बिफोर डिप्रिसिएशन तो 500 से 800 बना कैसे? 300 का परचेज। इसको देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, हाँ एक बार यहां देखिए। ओके ओके एक बार इसको देखिए, कोई साला सपोर्ट नहीं कर रहा मेरे को। क्या गलती लिखी? हमको तो समझ में नहीं आया भाई, मार परेशान कर दिए मेरे को। हम तो एकदम चाइल्डिश एबीसीडी टाइप का कुछ लिखे हैं। हम बोले यार एबीसीडी भी रॉन्ग हो गया क्या मेरा? देख तो लो एक बार बच्चों, ऐसे तुम तड़के आ जाते हो, बाप रे बाप। क्या लिखे देखो तो, हम लोग इस तरह से मैनेज करते हैं इसको। आप वाला ही काम है, जो आपने किया वही किया हमने, खाली तरीका थोड़ा चेंज किए। हम डिप्रिसिएशन कैसे निकाले? ये 90 है, हमको 10 निकालना है, नहीं समझे? ये 90 है ना, ये पहले 100 था, 100%, हेलो, ये 100 था, 10 डिप्रिसिएशन दिए तो 90 बचा। अगर ये 90 है, मेरे को तो 10 पता करना है, तो इसका 1/9 कर दिए क्लोजिंग। मेरे को मालूम है कौन सा मेथड है ये, हमको ये मालूम है ऐसे करना है। बोलिए हाँ या ना? सो कैन आई डू डेप्रिसिएशन 1/9 ऑफ माई क्लोजिंग WDV? क्या माई क्लोजिंग WDV इज 9/10 बिफोर डेप्रिसिएशन? बिफोर डेप्रिसिएशन के अमाउंट का 9/10 नहीं है क्या? तो वो जो डेप्रिसिएशन है वो 1/9 नहीं है क्या? ऐसे हम लोग मैनेज कर पाएंगे आराम से?
आया कि नहीं समझ में? उस बच्चे को नहीं आया लास्ट बेंच? हाँ तो बताओ क्यों नहीं आया, बात करो। इधर देखो, डब्ल्यू डी वी बिफोर डेप्रिसिएशन 100, डोंट राइट इट, डेप्रिसिएशन 10%, तो क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी 90, मेरे को 720 दिया हुआ है 90 की जगह, बोलो कैसे? उसी को बोल दीजिए लास्ट बेंच लास्ट बॉय। ये देख सीडी, सीडी इज क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी, तो 90 अगर 720 है तो 10 कितना होगा? नहीं चलेगा ये? चलेगा ना? कोई जरूरी हम पहले 800 तक जाएं फिर 80 माइनस करके 720 लाएं? 720 से 80 नहीं निकाल सकते क्या यार? हम थोड़ा सा ट्रिकी तो बता रहे हैं आपकी बात को मानते हुए। डन, तो 80 का डेप्रिसिएशन परचेज 300 का, अभी डन, कॉपी में लिखो, इसको कॉपी कर लो पूरा। हाँ हाँ लिखो, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। 500 और 300 दोनों ही है रे, 500 है, 500 के ऊपर तो डेप्रिसिएशन होना बाकी है ना, 500 तो ओपनिंग डब्ल्यू डी वी है ना, करेंट ईयर का तो डेप्रिसिएशन अभी माइनस करेंगे ना बेटा, तो 500 का डेप्रिसिएशन 50 और 300 का डेप्रिसिएशन 30, 50 और 30 80 लिखो, क्या लिखे? लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, देखिए इसको करके दिखाओ। सर परेशान करने पे आ गए आप। इस एपिसोड का ये लास्ट ट्रीटमेंट है। सर करना क्या है? वही परचेज पता करना है और डेप्रिसिएशन पता करना है और क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी तो दिया हुआ ही है, प्रॉपरली एक तो लेजर बना देना है। बस परचेज मिडिल ऑफ द ईयर में हुआ है। आंसर दीजिएगा मत, जब आपका आंसर निकल जाए उसको होल्ड पे रखिएगा, डोंट स्पीक अप, ओके, जस्ट डू इट।
मैंने सल्यूशन कर दिया बच्चों, यहां पे मैं कुछ लिख रहा था आपने देखा होगा, तो वो मैं अपना काम कर रहा था। तुमको जिस तरीके से भी काम करने का मन करे तुम करो, नहीं कर पाते हो तो जिस तरीके से तुमको समझना होगा ना, मैं वैसे समझाऊंगा। हाउ मेनी कुड डू इट? गुड, वेरी गुड, हाथ उठाइए। 300 का परचेज आया क्या आप लोगों का? 300 का परचेज आया क्या? जो लोगों ने बोला हम लोग कर पाए हैं, 300 का परचेज आया तो करेक्ट है। बाकी जो लोग नहीं कर पाए, लेट्स अंडरस्टैंड द वे, लेट्स सी कि कैसे मैनेज करें। सर देखिए, सबसे सिंपल तरीका मेरे सामने, मैंने आपके सामने रखा है। देखिए जो 600 का फिगर है उसको अगर साल भर का डिप्रिसिएशन देंगे तो 60 देंगे। डोंट कॉपी इट नाउ, जस्ट सी, जस्ट विजुअलाइज इट। उसको 60 डिप्रिसिएशन देंगे, बोलो हाँ या ना, तो वो 540 बचेगा। ये जो 540 का फिगर है, यहां पर भी देखते जाइएगा साथ साथ, हाँ ये जो 540 का फिगर है, ये इसके अंदर इंक्लूडेड है या नहीं है? ये जो 600 का ब्रॉड डाउन है, यही 60 का डिप्रिसिएशन माइनस करके, हाथ देखो, हाथ देखो, 540 बना है कि नहीं? तो 825 इज द क्लोजिंग WDV ऑफ टू नंबर ऑफ असेट्स। 825 इज दी, साथ भी नहीं दे रहे हो, क्लोजिंग WDV ऑफ टू नंबर ऑफ असेट, वन इज द ओल्ड असेट, तो ओल्ड असेट का WDV 540, तो न्यू असेट का WDV 285, और ये जो 285 है, दिस इज 95%। क्यों बोला? क्योंकि मिडिल ऑफ द ईयर एग्जैक्टली मैंने बोल दिया था जानबूझ के। मिडिल ऑफ द ईयर बोलने का मतलब है कि प्रो राटा डिप्रिसिएशन देना होगा। क्या देना होगा? प्रो राटा डिप्रिसिएशन। सर प्रो राटा डिप्रिसिएशन क्या होता है? डे वाइज, मंथ वाइज डिप्रिसिएशन। नया असेट परचेज का डिप्रिसिएशन परचेज के बाद से चालू होगा, क्योंकि मैंने डेट बता दिया है। पिछले सम से थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया जानबूझ करके, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल तो करके जाना पड़ेगा ना हमें, तो इसको 95% पकड़ लिए, तो 100% निकाल लिए, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? अच्छा पहले यह बताइए, छोड़िए आपको नहीं समझ में आया, आपके लिए कुछ और है। हाँ कॉपी तो कर लीजिए इसको एक बार, जिनको जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक और रास्ता है, लेकिन इसको समझना है। ठीक है, दूसरा वाला समझ के देखिए, हो सकता है पहला वाला समझ में आ जाए। पहले कॉपी कीजिए अच्छे से और इसी से समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट इज 285? जो जो समझ गए वो लोग बोलेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज 285? सेकेंड असेट का WDV। बोलिए क्यों? नहीं, क्योंकि पहला असेट का WDV हम हटा दिए ना, मेरे पास दो असेट का WDV था, 825। वन वॉज द ओल्ड असेट, वन इज दी न्यू असेट। ओल्ड वाले WDV को टोटल WDV से हटा देंगे तो नया वाला असेट का WDV नहीं बचेगा रे, तो मेरे को नया असेट का WDV मिल गया और मेरे को पता चल गया वो 95% है, बिकॉज 10% डिप्रिसिएशन है, तो 6 महीना का 5% होगा। बोलो हाँ, तो ये 95% को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर ये 95% को रिप्रेजेंट करता है तो 100% को कौन रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज 300। 300 का 15 डेप्रिसिएशन इज 285।
And then this is the ledger. This is 1-4. This is 1-10. Girls, please. थोड़ा ज्यादा हो गया आज, समझ में आ रहा पढ़ाई ठीक से? ओके, एंटरटेनमेंट कम हुआ नहीं, खाली पढ़ाई हुआ? बात करते ना, फंडा यही है, अब सब मैनेज हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, 2.5% लगा देंगे, फंडा यही है। तुम लोग तेज, अरे बाबा ऐसे थोड़ी नहीं कर पाएगा, आप कुछ भी कर देगा तुम लोग। अच्छा, जिन जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आया, एक बार बोर्ड पे देखो, ये सबको समझ में आता है? लेट न्यू परचेज इज एक्स, ओ हेलो, लेट न्यू परचेज इज एक्स, 600 क्या है? ओल्ड परचेज या पुराना WDV, ओपनिंग लेकिन पुराना, प्लस एक्स, इसको तो हां बोलो, चल पूरा इक्वेशन बना के दे, -60 हाँ इसको तो बोलो माइनस, समझो ये तो, ये करोगे तुम लोग मारेंगे नहीं तो, हम बता रहे, ये नहीं करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा, हम बता दे रहे, ये तुम लोगों सबको आता है, एक्स लेकर के बच्चों को कुछ भी दे दो करने के लिए सब कर देता है ये लोग, कुछ भी दे दो, इतने स्मार्ट होते हैं, 8, 9, 10 का जो मेहनत होता है ना बच्चों का, वो इतना स्ट्रांग बेचारे लोग करते हैं ना, मैंने टेस्ट किया हुआ मेरे पास 25, 26, 27 सालों में, इनको कुछ भी दे दो, दे कैन डू इट। तो ये तो बच्चा वाला चीज दी है, इससे बहुत बहुत डिफिकल्ट काम भी मैं जब दूंगा ना, आप लोग ऐसे करके कर दोगे, बस खाली ये याद दिलाना है, मुन्ना एक्स से कर लो तो फिर तुमसे सब हो जाएगा। इधर बोलो, 0.5 लिखना पड़ेगा कि 0.1 लिखना होगा? 5% ना, 10% इज 0.1x, अपना तो 5% है, तो 5% इज 0.05x, 600 ओपनिंग WDV, बोलो हाँ, x नया परचेस, 60 डेप्रिसिएशन ऑन 600, 0.05x डेप्रिसिएशन ऑन द न्यू परचेस, कैसे निकल रहा आंसर? दमादम हो रहा ना अपने आप ही, एक्स लेते ही कंफर्ट आ जाता है, सॉल्व कर लो, बोलो ये वाला नहीं बोलोगे तो मारेंगे हम, ये और ये बोलना है। हमारे टीचर हम लोगों को बोलते थे, कुत्ता कुत्ता एक तरफ, बिल्ली बिल्ली एक तरफ, एक्स को एक तरफ रखो, नंबर्स को एक तरफ रखो। छोटे थे हम लोग जब पहला बार एलजेब्रा, ये एलजेब्रा ही तो है ना, पहली बार जब एलजेब्रा सीखा था, टीचर ऐसा बोलता था हम लोगों को, हम बोले सर सकल कैसे पहचाने कौन कुत्ता है? बोला देखिएगा पता चल जाएगा। चलिए बोलिए, 0.95x इज इक्वल टू, ओके, इसको निकलने के बाद थोड़ी कोई प्रॉब्लम है, पर क्या हमको ऐसे ही करना आना चाहिए या ये भी ठीक है? ये भी तो ठीक है यार, जिसका अलजेब्रा वीक रहेगा वो तो कर ही लेगा ना ऊपर वाले से, लेकिन आर्ट सीन की ये वाला काम बच्चों को बहुत बहुत हेल्प करता है। मतलब नहीं समझ, फिर से बोल, वो तुमको तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है बेटा, इट्स योर विश, वो ठीक है, वो ड्रॉप करूं बात को, एक लास्ट लाइन लिखो फिर ब्रेक पे चलते हैं, पॉइंट नंबर बताओ, 11 लिखो, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट
इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द डेट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द डेट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन कॉमा वी विल अस्यूम it on the first date of the year. We will assume it on the first date of the year. 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चलिए मिलते हैं. ठंडा लग रहा है? ओके. Don't laugh. बच्चों मैं क्लास स्टार्ट करता हूं, ठीक है? ब्रेक कंप्लीट हो गया. तो लास्ट पॉइंट क्या था हम लोगों का? हाँ, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अगर नहीं दिया हुआ हो तो अपन फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर में ट्रांजैक्शन को मानेंगे और सम को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देंगे. ओके, अब अगला पॉइंट आप लिखोगे पॉइंट नंबर 12. वो 11-12 आप लोग करते रहिए, उसका मेरे लिए कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. जितना नंबर आप मेरे को बोलेंगे मैं लिख दूंगा. रेडी? सी, आप लोगों के ना एक चैप्टर है जो समझ लो 3 वीक या 4 वीक के बाद आप लोग पढ़ेंगे. उसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, एज 13, ग्रुप 1 के ही सिलेबस में है, आप लोग पढ़ेंगे. अभी खाली एक पैराग्राफ उस चैप्टर से लेकर के मुझे डिस्कस करना है जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चंस में या और जो आगे चैप्टर्स पढ़ोगे उसमें कभी कभी यूज में आता है. इवन आप लोगों के 11-12 में भी आपके टीचर लोगों ने यह बताया है कि हां ऐसा कोई चीज होता है. ओके, यहां पे सीए इंटरमीडिएट में फुल फ्लेज्ड चैप्टर है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का. ओके, कॉपी में लिखिए 12 नंबर पॉइंट में परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. आप बिल्डिंग परचेज करते हो क्या एंट्री करते हो? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक. आप मान लो चेक से पेमेंट हो रहा है, बिल्डिंग टू बैंक. अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा था कि गुड्स को छोड़ करके, गुड्स सिर्फ एक ऐसा परचेज है जिसका परचेज होने से हम परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं. यस और नो? गुड्स को छोड़ करके बाकी कोई सा भी परचेज होना उसके नाम से ही उसको डेबिट किया जाता है. मतलब सीधे सीधे असेट लिख दिया जाता है. क्या बोला? फिर से बोलो. सीधे सीधे असेट
लिख दिया जाता है. यू गॉट इट. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट परचेज करेंगे ना, सिंपल जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. कॉपी में जर्नल एंट्री लिखो. ठीक उसके नीचे लिखना द अमाउंट the amount is the actual amount paid for acquiring the investments. Repeat, the amount is the actual amount paid for acquiring the इन्वेस्टमेंट्स. थोड़ा बोर्ड पे देखिएगा और बताइएगा फाउंडेशन में कब ये सब चीजें पढ़ी थी. हाँ सुनना, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से फेस वैल्यू 10, फेस वैल्यू 10. आई बॉट वन इक्विटी शेयर of Reliance at 2425. अभी दाम 2425 रुपया ही है. मैंने एक शेयर 2425 रुपया में खरीदा. किसी को भी डाउट होता होगा आज ही जाके अपने पापा से बात कर लेना, वो बता देंगे हां ऐसे ही होता है बेटा. अभी तुमको टेंशन हो रहा होगा बाप रे बाप 2425 10 रुपये का शेयर. तुमने जब फाउंडेशन पढ़ा ना बेटा तो 10+2.5 भी जब होता था तुमको गुस्सा आ जाता था, बाप रे 12.5 रुपया मांग रहा है 25% प्रीमियम. पढ़ते थे ना, मार्केट में देख लो कितना प्रीमियम पे बिक रहा है, कई हजार परसेंट प्रीमियम है ये. ओके, रिलायंस है ऐसे ही दाम में बिकेगा. हमको ये नहीं देखना, बच्चों ध्यान से, हमको ये नहीं देखना कि मैं कितना प्रीमियम पे किया, हमको ये देखना कि मैं कितना पे किया. मैं जितना पे किया मैं अकाउंटिंग उतने रुपये से ही करूंगा. मैं बीइंग एन इन्वेस्टर, AS-13 पढ़ा रहा हूं. ओके, AS-13 का एक ग्लिम्प्स, AS-13 फुल फ्लेजेड 20-25 क्लास के बाद. ओके लिसन, जब कंपनियां शेयर इश्यू करती है ना तो वो कैपिटल, प्रीमियम, बैंक टू एप्लीकेशन, याद कीजिए फाउंडेशन, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम, बैंक टू अलॉटमेंट, कॉल टू कैपिटल, बैंक टू कॉल, जो बोला याद आया, इस तरह का एंट्री आप करते थे. लेकिन जब इन्वेस्टर परचेज करता है ना, इवन सीधे कंपनी से भी जब परचेज करता है ना, वो प्रीमियम को अलग से डेबिट क्रेडिट नहीं करता. कंपनियां करती है प्रीमियम डेबिट क्रेडिट, हम लोग नहीं करते. तो सर आप क्या करते हो, हम जितना रुपया देते हैं ना उतना रुपया में अपने असेट को लिख देते हैं और हम कहते हैं कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ माय असेट, दिस इज द एक्विजिशन प्राइस ऑफ माय असेट, दिस इज द वैल्यू एट विच आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस असेट इन माय बैलेंस शीट. डिड यू गेट इट? क्या बोला, इंग्लिश में समझ में आया? तो मैं अभी ये एंट्री कितने रुपए से करूं? 2425. कोई प्रॉब्लम? बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्शन आ जाएगा, बाय इन्वेस्टमेंट हम लिख देंगे, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को असेट साइड में लिख देंगे. हमको प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है, हम जितने ही प्रीमियम दिए हों दैट बिकम्स, आगे फिल इन द ब्लैंक्स, हम जितना भी प्रीमियम दिए हों दैट बिकम्स my cost of investment, that becomes my cost of the asset, that becomes my asset. Clear? नीचे लिखो. Actually paid word लिख दिए थे, हाँ journal entry लिख दिए. अब नीचे लिखो say
we purchased hundred equity shares of B Limited of face value 10 at 9.70 each, समझ गए? सस्ते में मिला हमको माल, आप लोगों की दुनिया में डिस्काउंट में माल मिला हमें, हम लोग डिस्काउंट प्रीमियम नहीं बोलते हैं, महंगा में मिला सस्ता में मिला बोलते हैं, और रिलायंस जितना भी महंगा में मिला ना हम लोग को महंगा नहीं लगता है, क्योंकि एक साल के बाद उससे ऊंचा दाम में हम लोग बेच पाते हैं, नहीं समझे? कोई हमको 2425 रुपए में रिलायंस खरीदने बोलेगा आई एम कंफर्टेबल, पर जिस कंपनी का 9 रुपए 70 पैसा दाम हो हमको खरीदने बोलेगा आई एम नॉट कंफर्टेबल। सर वाई 970 वाला एक साल बाद 570 में बिकेगा? सर नहीं समझे, यही सच है। और 2425 वाला एक साल बाद 3200 में बिकेगा? प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं या सस्ता खरीद के और सस्ता में बेचने के लिए, हमको बताइए। हाँ तो ढंग का चीज खरीदोगे तो महंगा ही मिलेगा। यू गॉट द पॉइंट क्लियर? चलो लिखो, द जर्नल एंट्री विल बी अमाउंट प्लीज 100 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर 9 रुपया 70 पैसा में खरीदे, 100 × 9 रुपया 70 पैसा 970 रुपया, 100 शेयर खरीदे ना, नंबर दे दिए बेटा आपको, नंबर ये नंबर है, हेलो समझ में आया ना, आई बॉट 100 इक्विटी शेयर, 100 इज द नंबर, देन व्हाट इज दिस 10? आप लोगों को फेस वैल्यू का मतलब मालूम है? yes, मतलब वो फाउंडेशन में वो वाला चैप्टर पढ़े हो फेस वैल्यू, जिसमें बताया गया है कभी भी? yes, मालूम है ना आप लोगों को? गुड, अगर मालूम है तो फिर ये लाइन बोलो, मान लो इक्विटी शेयर की जगह डिबेंचर, वेट वेट मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यस इट्स अ बॉन्ड, मान लो इक्विटी शेयर की जगह डिबेंचर, अकाउंटिंग एंट्री में कोई फर्क नहीं होता है, वेदर इट्स इन इक्विटी परचेज और अ बॉन्ड परचेज और डिबेंचर परचेज, द अकाउंटिंग एंट्री रिमेन्स दी सेम। ये क्वेश्चन नहीं था मेरा, मेरे को कुछ और बोलना है, अब मैं बोल रहा हूं, से माई डेट ऑफ परचेज इज, my date of purchase is 1/7/21, my financial year is 21/22, देखें दिमाग लगाना, मैं देखता हूं आपको आता है कि नहीं face value का मतलब, it's a checking, okay? आप बोल देंगे हमको मालूम है, थोड़ा सा पेशेंस रखना, the rate of interest is 12%, I am drawing my balance sheet of 31/3/22. How much interest will I accrue? सारा इंटरेस्ट रिसीव हो गया है पर मैं जानबूझ के बता नहीं रहा हूं, क्वेश्चन समझ गए क्या? हमको बताओ हाउ मच इंटरेस्ट विल आई accrue? डेट ऑफ परचेज देख लो ठीक से बेटा, डेट ऑफ परचेज देख लिए, गुड, कैलकुलेटर उठाए थे? हाँ ठीक, 1/7/21 को मैंने परचेज किया, 21/22 इज माय फाइनेंशियल ईयर, बच्चों ये समझते हो ना यार? हाँ, और 31/3/22 को मैं अपना बैलेंस शीट बना रहा हूं, मेरे को याद आया अरे मैंने तो बॉन्ड खरीदा था यार, उसका इंटरेस्ट भी तो अक्रू करना है, इंटरेस्ट तो टाइम पीरियड के हिसाब से अक्रू होता है ना, बोलो हाँ,
कैसे निकाले? कितने लोगों ने ऐसे किया? कितने लोगों ने ऐसे किया? सेकंड वाला रॉन्ग है, रॉन्ग रॉन्ग है, मारेंगे आके थप्पड़ एक तो। चिल्ला रहा सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला, होश में भी नहीं हो। सलाम लिखे यहां पे, वही मैं देखना चाहता था कि फेस वैल्यू का मतलब मालूम है कि मालूम नहीं है। नहीं समझे बेटा, कोई नाराजगी थोड़ी है तुमसे, पर तुम फोर्स थोड़ी कर दोगे अपने आप को मेरे ऊपर। बोलो यस। सेकंड वाला रॉन्ग है बेटा, सेकंड वाला रॉन्ग है। वो बच्ची मारी 87.3 ना, कितना निकाली तभी हम बोलो ओ, कहानी में थोड़ा अभी ट्विस्ट कुछ नहीं, गड़बड़ है, मुझे ठीक करना है। सर ये क्या लेक्चर है? ये वाला ये लेक्चर है बेटा कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स आर आगे कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, नॉट योर परचेस प्राइस। फिर से, नॉट योर परचेज प्राइस। तुम कितना में खरीदते हो, मुकेश अंबानी को एक सुत्ता फर्क नहीं पड़ता। वो तो 10 रुपया में डिविडेंड देगा तो 10 से में देगा, बता देते हम। अभी भी नहीं समझे? वो देखता ही नहीं कौन कौन उसका शेयर खरीद रहा हो, क्या फर्क पड़ता है? अभी भी नहीं समझे ना? मैंने 2425 में खरीदा, देखो ये रहा सेम सम, 2425 में खरीदा, कितने का फेस वैल्यू? मैं बदल रहा हूं, फिगर बदल रहा हूं, 970 वाला कर दिए इंटरेस्ट, ये वाला रॉन्ग है। इंटरेस्ट निकलेगा अमाउंट, अमाउंट बोलो 90 रुपया। हाँ इंटरेस्ट ऐसा ही निकलता है, 12% है तो साल का 120 रुपया, 10 रुपया फेस वैल्यू तो 1 रुपया 20 पैसा। नहीं समझे? पूरा निकलता अच्छा सा अमाउंट, ऐसा गंदा सा अमाउंट नहीं निकलता है, पूरा निकलता अच्छा वाला। एक बार इधर देखिए, सेम चीज रिपीट कीजिए। ये रिलायंस मैंने खरीदा, रिलायंस ने मुझे डिविडेंड दिया 70%। ये सम यहीं पे फोकस रहेगा, इस सर्कल पे, इस सर्कल पे फोकस, 7 रुपया डिविडेंड, 2425 का 70% दे देगा ना तो मुकेश अंबानी घर आ जाएगा यहां पे, बोला सुदर्शन मत लो यार इतना क्या लोगे। वो 70% बोलता है, मेरे को खाली 7 रुपया मिलता है। सर 2425 में आप खरीदे थे, हाँ, और आपको 7 रुपया मिला, हाँ, और आप खुश हैं, हाँ। हम 7 रुपये के लिए थोड़ी खरीदे हैं, 3200 में बेचेंगे ये 7 रुपये, तो ऐसे एक्स्ट्रा आ गया है। ओ सर यू बॉट एट 2425, यू विल सेल एट 3200, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू मेक मनी, डिविडेंड इज नॉट द वे टू मेक मनी, वी बिलीव लाइक दैट ओनली। व्हेन वी बाय रिलायंस वी डोंट बाय फॉर डिविडेंड, वी बाय फॉर ग्रोथ। रिपीट, व्हेन वी बाय रिलायंस वी डोंट बाय इट फॉर डिविडेंड, वी बाय इट फॉर ग्रोथ, कैपिटल अप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? उसका दाम बढ़ेगा बेचेंगे। डिविडेंड से निहाल होता है क्या? कुछ डिविडेंड नहीं आता है। ग्रोथ कंपनी का डिविडेंड परसेंटेजेस आर वेरी लो, आई मीन डिविडेंड यील्ड परसेंटेज तो 70% दिया है, पर मेरे हिस्से में तो 7 रुपया आया ना 2425 लगा के। बट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था आज, आज इंपॉर्टेंट था डिविडेंड का कैलकुलेशन, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होगा, आपके परचेज प्राइस पे नहीं होगा। नहीं तो हजारों आदमी हजारों दाम में परचेज करते हैं, मुकेश भाई किसको किसको कितना रुपया का डिविडेंड भेजेगा? सोचिए 1 करोड़ लोगों ने आज रिलायंस का शेयर अलग अलग दाम में खरीदा, उसके पास थोड़ी किस कौन कितना दाम में खरीदा उसका हिसाब रहेगा। नहीं समझे अभी भी? दे पे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ऑन फेस वैल्यूज, लिख लो, लिखो डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आर
जानते हो अगर वो बच्ची 87.3 नहीं चिल्लाती ना, बहुत जन 90 निकालता। मैं बता रहा हूं, मैंने देख, मेरा एक्सपीरियंस ही है 26 साल का। वो चिल्ला दी पहले से 87.3, सब बोला हां वही तोप है। अब तो कुछ नहीं भैया, वही निकलेगा तैसे तैसे करके, जिसका साला 90 आया भी था ना, वो भी बोला ना ना 87.3। आप समझ रहे हो, ये बहुत नॉर्मल साइकोलॉजी है बेटा बच्चों की, मैं इतने साल से देख रहा हूं। इसीलिए जो तुरंत बोलता है ना, मैं उसको एक बार रोक देता हूं, कम से कम जो बेचारा सही कर रहा है उसको सही तो करने दो, यहां गलत बोल के भी इन्फ्लुएंस बन जाते, माने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं हम लोग, एंड इट्स वेरी नॉर्मल बेटा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम लोग हमेशा सामने वाले को अपने से तेज समझते हैं, फिर वो कोई भी आवाज निकालता। इसलिए आपका जो व्यू बनता है आप उसको एक्सप्रेस करो, एंड आई एम हियर टू सपोर्ट यू। जिसने रॉन्ग बोला कोई नाराजगी नहीं मेरी उससे, उसको भी समझाना है, इक्वली तुमको भी समझाना है, बट कोई बोल दे तुम अपना आंसर मत बदलना। गॉट इट? कई बार हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, मैं अभी से अपना एक वो बता देता हूं ट्रिक, कई बार हम इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे तेरे मुंह से निकलवा लेंगे 87.3, पर तुम सलाह मत निकालना, 90 ही निकालना। इस तरह से गेम बनाते हैं हम क्वेश्चंस में जानबूझ के, कि बच्चे का कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, या बच्चा मेरे बोली बोली में बदल जाता है। नहीं समझे? आंख दिखा के, डरा के, कुछ भी करके हम इस तरह से करेंगे कि आप रॉन्ग बोलेंगे, मत बोलना। नहीं समझे? जो आपका व्यू बने हमको यही बोलना है। डन? लिखो। क्या लिखा बेटा? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आर कंप्यूटेड ऑन फेस वैल्यू एंड नॉट ऑन आवर कॉस्ट ऑफ परचेज। रिपीट, एंड नॉट ऑन आवर कॉस्ट ऑफ परचेज। ग्रेट, समझ में आ गया अपन को इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का। ये छोटा सा बस एक तो ग्लिम्स चाहिए था मेरे को, आप कर पाएंगे समझा? जितना हमको बोलना था आप उतना समझ पाए, मेरे को अभी इतना ही बोलना है। इसका पूरा ब्रह्मांड खुलेगा, माने वी विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द रिस्पेक्टिव चैप्टर। अभी इतने से अपना काम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 13। लिखो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। उस बच्ची को देख करके हमको परेशानी क्यों हो रहा है? वो बेचारी पहले से सिंगल एंट्री करके रखी है, वो अपना कॉपी से मिला रही है बार बार। मैं उसको, हाँ आप फ्रेश लिखिए, जस्ट छोड़ दीजिए उसको, आप नया लिखिए, पॉइंट भी नया रहेगा, हर कुछ अलग रहेगा बेटा, बट वो भी कंप्लीट रहेगा, ये भी कंप्लीट रहेगा। यू गॉट इट? जस्ट लीव दैट फॉर द टाइम बीइंग। ओके, देखिए जरा इसको मैनेज करके दिखाओ। और ये आता है आप लोगों को अगेन अपने बात पे अड़े रहने का। गॉट इट? चलिए करके दिखाइए। सर क्या करना है बोलिए तो, हम आपको ना अमाउंट का इंफॉर्मेशन क्वांटिटी से देंगे और हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने बोलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट गुड्स का ही तो होता है, गुड्स तो क्वांटिटी में परचेस सेल होता है। हेलो, गुड्स तो क्वांटिटी में परचेस सेल होता है। तो मैं अगर आपको परचेस प्राइस, सेल प्राइस ये सब दे दूं तो आप क्या मेरे लिए काम नहीं कर सकते ट्रेडिंग अकाउंट वाला? क्वांटिटी को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके, क्वांटिटी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट सेल नहीं निकाला जा सकता? तो बेसिक्स तो है ना अपने पास, सर यूज नहीं किए ज्यादा पर है, आइए यूज करते। ओके, डू इट। हाँ बेटा ये लिखना है।
ड्रॉइंग्स डिफल्केटेड, पांच यूनिट मेरा चोरी हो गया, दो यूनिट मैंने अपने लिए यूज कर लिया, 100 यूनिट पर मंथ करके मैंने परचेज किया, 25 रुपया का कॉस्टिंग था, ओपनिंग स्टॉक का कॉस्टिंग भी 25 रुपया ले लेना है। अगर कुछ नहीं बोले तो परचेज कॉस्ट और ओपनिंग स्टॉक का कॉस्टिंग सेम लिया जाता है, अकॉर्डिंगली क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्टिंग भी वैसे ही ले लेना। बट पहले क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी तो बताओ। आप लोग सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिए, वन मिनट प्लीज। पहले मुझे यह बताओ, इन सब के बीच में क्या रिश्तेदारी है? नहीं नहीं, कॉस्ट नहीं, क्वांटिटी का बोल रहे हैं, है ना एक रिश्तेदारी। देखो तो मैं जो बोल रहा हूं ठीक है क्या? ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी 400 प्लस परचेज 1200। हेलो, 1200 100 पर मंथ दिया जानबूझ के, ये सब कमीनापन है कि बच्चे बाई चांस पर मंथ नहीं देखे तो उलट जाए बेचारे। 20 मार्क का सम आता है, आईसाइट भी स्ट्रांग रखना है सीए के लिए। आई एम सॉरी टू डू दैट, लेकिन क्या करें, अभी इंस्टीट्यूट ऐसा है तो करें क्या? साल भर का क्वांटिटी दे करके फंसाओ ना बच्चों को यार, ये सब घटिया काम करके क्यों फंसाते हो? बट दे विल डू दिस माय सन एंड वी हैड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, 1200 और 400 प्लीज कैलकुलेटर, 1600 चोरी हो गया, 1595। थैंक यू, 1605 नहीं बोले, बोलते तो यहां बुलाते फिर एक थप्पड़ मारते। माइनस 2 1593। व्हाट इज 93? क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, पहले लिख लो। अगर परचेज का कॉस्टिंग 25 दिया हुआ है बच्चों और ओपनिंग स्टॉक का कॉस्टिंग नहीं दिया हुआ है, सेम मान लेना और बोलना का भी जरूरत नहीं एग्जामिनर को। एग्जामिनर सेम मानते हुए क्वेश्चन बनाया है, नहीं समझे? वो नहीं दिया मतलब तुम जो मोस्ट लाइकली सिचुएशन है उसको लेके आगे बढ़ जाना। ओके सर, ड्रॉइंग को कैसे ट्रीट करते हो? गुड्स विड्रॉ, आज ही बोला है तुम लोग, हम बता सकते, हमको गुस्सा आ जाएगा, मैं बता दे रहे हैं, आज ही जर्नल एंट्री बोले हो, ड्रॉइंग्स टू परचेजेज। आप लोग क्यों बना रहे? रुको ना दो मिनट, हेलो बच्चियां रुको, 10 मिनट, 2 मिनट रुक जा बेटा, और नहीं पढ़ाएंगे, लास्ट है ठीक है, लास्ट, सच बोल रहे थे दिल पे हाथ रख के, सच और नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन इस पर बात तो सुन लो पहले। यू मस्ट स्टिक टू योर वर्ड्स। ओके, अब भी आज 2 घंटा पहले तुमको मैंने पूछा गुड्स विड्रॉन का जर्नल क्या होता है, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, मैं तुम्हारा बात माना, लिखा था ना कॉपी में, लिखा था ना। डिफल्केशन का एंट्री क्या होता है? डिफल्केशन टू परचेजेस, तो मानेंगे हम। टू परचेजेस का मतलब क्या हुआ? परचेज लेस, बिकॉज ये माल निकल गया, चोरी हो गया, हमने विड्रॉ कर लिया। एक बार यहां पे परचेज बताओ, 1200 × 25। आपके साथ एकदम, हम जिसने 1200 बोला थैंक यू, इंटू 25 समझ गया क्यों? ट्रेडिंग पीएल तो अमाउंट में ना बनाना पड़ेगा जी, ट्रेडिंग पीएल अपन तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट करते हैं ना, हर चीज को मनी में तो कन्वर्ट करना ही है। 1200 इंटू 25 कितना आया? 30,000। 30,000 तो तुम लोग बोल रहे, मैं कर नहीं रहा हूं, इस पर हम तुम लोग का पूरा विश्वास करते हैं, हम इस सब चीज में फालतू काम नहीं करते, जस्ट हमको मेरा नॉलेज शेयरिंग करना है। 5 × 25 वही लेस होगा ना, ये सब चीजें कॉस्ट पे लेस होती है ना, गुड। 2 × 25 इनको परचेज से लेस करना है, 1500 × 40 सेल, 400 × 25 ओपनिंग स्टॉक,
1200 × 1200 तुम लोग 1200 बोले, हम नहीं, तुम कंट्रोल में हैं। 1200 × 25 माइनस दैट माइनस दैट, अब मैं भूल गया हूं क्या क्या माइनस, तुम समझ गए, वो अपन को करना अभी बैठ के। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 93 × 25। मुझे एक बात बताओ, ऑलरेडी ऑलरेडी सर, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, सब चीज निकल जा रहा है ना, ड्रॉइंग टू परचेजेस, डिफल्केशन टू परचेजेस, इसका अकाउंटिंग में कंफर्ट है ना, श्योर है हम लोग, गुड। ड्रॉइंग का अमाउंट 2 × 25 होगा, ये हम लोग पढ़े हैं ना फाउंडेशन में, 2 × 25 होगा, जानते हैं ना हम लोग, डिफल्केशन भी कॉस्ट पे ही मेजर होता है, क्लियर। स्टेप बाय स्टेप मेरे से बात करोगे और कॉपी में लिखते भी जाओगे। डैश इंटू डैश यहां इनर कॉलम में सब लिख के दिखाओ। ये तुमने बोला था 30,000, ये 100, ये बोला था तुमने 50, स्ट्रांग है, अगर नहीं भी थे तो आज बने हैं हम लोग, गुड। अरे सर सुनिए, 2-3 क्लास के बाद, आफ्टर 2 or 3 क्लासेस, ये सब चीजें ना हम ब्रैकेट में लिखने लग जाएंगे, ये जो सजा सजा के लिख रहे हैं ना, ये मेरा वो नहीं है, कप ऑफ टी, इतना हम लिख रहे हैं वो बहुत बड़ा एहसान है, नहीं समझे, वो तुम लोग चुकाना बाद में, खाली हेल्प करके ऐसे बोल बोल के। बाई सेल्स कुछ बोलना आपको, बोलो, मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, जर्नल एंट्री क्या बोले थे, तो जब ड्रॉइंग टू परचेज का जर्नल बोलेंगे और एंट्री लिखेंगे ड्रॉइंग टू ट्रेडिंग, अगर आप यहां पे बाय ड्रॉइंग लिख रहे हैं तो आपका जर्नल क्या हुआ, ड्रॉइंग टू, क्योंकि ट्रेडिंग तो एक अकाउंट है ना, तो फिर जर्नल चेंज कीजिए, फिर ड्रॉइंग टू परचेज क्यों बोले, यह हुआ लॉजिक का बात, हाँ, पर यह घटिया लॉजिक था। अब बढ़िया लॉजिक आपको देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, सुनिए बच्चों, ये कल भी बात उठी थी, ओके, मैं आज प्लीज, मैं आज और ढंग से सेटल करके देता हूं चीजों को, ओके, मेरे को एक बार लिख लें दो इसको पूरा, उसके बाद मैं इसको सेटल करके देता हूं। बच्ची ने क्या क्वेश्चन पूछा, सुना, बच्ची ने बोला सर आपका क्या जाता है इधर में बाय ड्रॉइंग और बाय डिफल्केशन लिखने में, लिखने दे दीजिए हम लोग कंफर्टेबल हो जाएंगे, कंफर्टेबल होने के लिए पढ़ाई नहीं है, 20 में 20 लाने के लिए पढ़ाई है। अभी दूसरा बात बोल रहे हैं, इस पे 2 मिनट के बाद बात करेंगे सर, क्यों अभी बताएंगे क्यों, ओके, जस्ट मुझे 5 मिनट का टाइम दो। बाई सेल्स डैश इंटू डैश, बाय क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा शांति, आप लोगों का 22,500 आया, ड्रॉइंग टू परचेज आज डिस्कशन का एजेंडा था,
हम लोगों के आज के डिस्कशन का एजेंडा में था, डिफल्केशन टू परचेज भी था, जर्नल एंट्री सब आप ही ने बोला, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ था हम लोगों ने बोला, अकॉर्डिंगली मैंने प्रेजेंटेशन किया, यस और नो? लास्ट में जो मैंने लिखा पहले उस पर फोकस करो, उसके बाद हम उस बच्ची के क्वेश्चन का जवाब देंगे। हम कितना में माल खरीद रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, हम एक यूनिट पे कितना कमा रहे हैं, क्या हम श्योर हैं? हमने कितनी यूनिट बेची, तो क्या हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 1500 × 15 नहीं आना चाहिए? वो सर आंसर पहले ही मालूम था आपको, आपको भी आज से पहले ही मालूम चल जाएगा। हमको पहले से मालूम था, हम कोई बहुत तोप नहीं है, नहीं समझे, हमको पहले से मालूम इसलिए था कि हम 35 साल 32 साल बड़े हैं तुमसे, दैट्स इट। तुमको भी पता चल जाएगा जब तुम 2 दिन और बड़े हो जाओगे तो। सो नथिंग बिग, आई मीन इसको बड़ा इशू मत बनाओ, जस्ट नॉलेज शेयरिंग हो रहा है अपना। टेल मी, अगर टाइम नहीं हो, अगर टाइम नहीं हो, ट्रेडिंग अकाउंट को गोली मार के पीएल बनाओगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा ना? 2 मार्क्स काट लेना ट्रेडिंग का मेरा, 18 तो दोगे, नहीं समझे? ओ सर ये आप इसीलिए किए कि बाद में कभी टाइम बचाने का मौका मिले तो बचाना है, पर हां 2-3 मार्क्स सेक्रीफाइस करना होगा बच्चों, क्योंकि आप जब ये नहीं बनाओगे तो ये मत समझना कि फिर 20 में 20 मिलेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल यू डिडंट प्रिपेयर समथिंग दैट वॉज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड। आई एम नेवर सेइंग दैट डोंट प्रिपेयर इट, नहीं तो मैं क्यों बनवाता। आई एम सेइंग अगर कभी टाइम बचाना हो तो जीपी डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। डन। एक बच्चे ने पूछा कि सर ड्रॉइंग अगर इधर लिखे तो, डिफल्केशन अगर इधर लिखें तो, बोलूं? देखिए प्रिंसिपली स्पीकिंग लिखना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप एंट्री मारते हो, प्लीज, क्योंकि जब आप एंट्री मारते हो ड्रॉइंग टू परचेजेस, डिफल्केशन टू परचेजेस, तो फिर अलाउड ही नहीं बनता है। हां सर्टन स्कूल ऑफ थॉट, मतलब कुछ लोग ड्रॉइंग टू परचेज का एंट्री नहीं मारते हैं, वो लोग बोलते ड्रॉइंग टू ट्रेडिंग, दे से इट लाइक दैट, इंटेंशनली दे से इट, और हम लोग उनको रॉन्ग नहीं बोलते, लेकिन हमको पर्सनली पूछोगे तुम मेरी क्लास में आए हो, हम ड्रॉइंग टू परचेज के साथ हैं, यू गॉट इट? अब कई बार क्या होता है ना बेटा, आप सुनना प्लीज अच्छी बात है, अब कई बार क्या होता है, एवरीबडी सी हियर, कई बार क्या होता है ना, हम लोग परचेज लिख देते हैं, इधर ध्यान देना, मान लीजिए 7 यूनिट एक साथ ना लॉस बाय फायर है, 5 और 2 अलग अलग नहीं है, 7 है, हाँ एक साथ, बात बराबर ही है ना? मान लीजिए लॉस बाय फायर है, दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, हमको बोला लॉस बाय फायर पता करो ट्रेडिंग अकाउंट बना के, जीपी रेशियो दिया हुआ है, सवाल फिर से सुनो, सेम क्वेश्चन, एवरीथिंग सेम, लॉस बाय फायर पता करो, नहीं समझे? ये अमाउंट दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, जीपी रेशियो दिया हुआ है, और बोला सम गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉइड, अबे 93 नहीं है बे, हाँ आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, सब अमाउंट दिया हुआ, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी, और बोला फाइंड लॉस बाय फायर, सम गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉइड द कॉस्ट ऑफ विच इज टू बी फाउंड आउट। मेरे को 30,000 यहां लिखना पड़ेगा, बोलो हाँ, ओपनिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, जीपी लिखना पड़ेगा, कि वो लोग लिख के ही दिया मेरे को, हम क्या करें? फिर भी मेरा ट्रेडिंग टैली नहीं होगा, जल्दी टोटल मारो कैलकुलेटर पे, मेरा ट्रेडिंग टैली
नहीं होगा, मेरा डिफरेंस आया यहां पे, आंसर आंसर आंसर, मेरा डिफरेंस आया 175, और यही मेरे को वो बोला निकालना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड से मुझे लॉस बाय फायर पता चला। नहीं समझे, अगर मैं परचेज नहीं लिखता ना तो ये पता करने में डिफिकल्टी होता। इन दैट केस मैं यहां पे लॉस बाय फायर लिख दूंगा, इंस्टीट्यूट मेरा मार्क्स नहीं काटेगा। बट अगर मेरे को सब कुछ पहले से मालूम रहेगा ना, हम अपना ट्रेडिशनल तरीके से ही, एक मिनट रुक जा बेटा, हम अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही जाएंगे। हम लोग जैसा एंट्री करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन भी वैसा ही करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी वैसा ही करिए। ओके, आज का होमवर्क एक ठो खाली ले लो, क्वेश्चन नंबर 71। होमवर्क का ही सम्स रहेगा, कल मिलते हैं।